ये है चौधरी रणवीर सिंह की शानदार हवेली और ये खुद आ गए चौधरी रणवीर सिंह। इस घर के मालिक और इस इलाके के मुखिया चौधरी रणवीर सिंह ने अपने ही बनाए उसूलों पर चलते हुए आज तक शादी नहीं की। इतना ही नहीं, अपने सिद्धांत ऊंचा रखने में अपनी शान समझते हुए बस इन्हीं में घिर कर रह गए हैं। सर, सर, चौधरी सर, क्या है ये? देखो, बच्चे लोग ने मेरा क्या हाल कर दिया है। कहाँ है बच्चे? किसने फाड़े मिसेज लोबो के कपड़े? हाथ आगे करो, मैं कहता हूं हाथ आगे करो। तुम हाथ बीच में क्यों ला रहे हो? मेरी बहन को मत मारो मामा। हाथ पीछे पीछे। मेरे होते हुए आप बुढ़िया को नहीं मार सकते। मामा के आगे जबान चलाता है, मामा को जवाब देता है। क्या कर रहा है? सुबह होती लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। अरे रहम कर, मासूम बच्चे हैं यार। रहम और इन शैतानों पर, तेरी वजह से मैं इनको यहाँ लाया, लेकिन उन्होंने मेरा जीना दूभर कर दिया है। इन्होंने दूभर कर दिया कि तूने इनका जीना दूभर कर दिया? कुमार। अरे यार क्या करता है, छोड़ना अभी गुस्सा। ये बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, कभी कभी यही लाड़ प्यार ही जिंदगी में जहर घोल देता है। इसी लाड़ प्यार की वजह से इनकी माँ के भी कदम बढ़े। चलो बच्चो, तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब है, अपन कबड्डी खेलेंगे। चलो अपन पढ़ेंगे। चलो पढ़ेंगे, शाबाश। हाँ, कभी कभी यही लाड़ प्यार ही जिंदगी में जहर घोल देता है। अरे भैया, ये सब किसके लिए? मेरी प्यारी बहन के लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरी शादी भी तो करनी है। ऐसी धूमधाम से करूंगा तेरी शादी कि दुनिया देखती रह जाएगी। सरकार, सरकार, ठाकुर साहब आए हैं। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ठाकुर साहब, चौधरी साहब, आइए बैठिए, बैठिए, आइए आइए। चौधरी साहब, हमें आपकी बहन राधा का रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। राधा, भैया, अरुण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नजर में उनकी औकात एक मामूली मैनेजर से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन मेरी नजर में उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि उनके पास प्यार की वो दौलत है जिसके सहारे आपकी बहन हमेशा खुश रहेगी। मैं इस घर से अपनी झोली में सिर्फ आपका प्यार समेटे लिए जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी बहन राधा। माफ तो मैं तुझे कभी नहीं करूंगा राधा। तूने अपने भाई के चेहरे पर तमाचा मारा है और इसे रणबीर सिंह कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। ये रही शय और ये रही मात। चौधरी साहब, संभालिए अपने राजा को। अरे राजा को छोड़ो यार, या तो प्रजा ही नहीं संभल रही, वैसे मात अभी हुई नहीं। ये मात तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये बच्चे घर पर आए थे। अरे प्यारे, बच्चों से ही घर घर होता है। घर या चिड़िया घर? अरे जहाँ आवाजें सुनने के लिए कान तरसते हो, वहाँ चिड़ियों को कम से कम चहचाने की आवाज तो आ रही। ऊपर वाले का शुक्र अदा कर प्यारे। इन चिड़ियों को पिंजरे में बंद रखने के लिए ही तो मैंने प्रोफेसर रही को खत लिखा है कि जल्दी से इनके लिए कोई गवर्नेंस भेज दे। गवर्नेंस? यानी सिंफ नाजुक, यानी औरत। प्रोफेसर साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई का भी क्या फायदा, दर दर भटकने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। पता नहीं और कितनी ठोकरें खानी बाकी है। बेटे, तुम जैसी होनहार बच्ची कभी बेरोजगार नहीं रह सकती है। तुम्हें इंशाल्लाह एक न एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। सर, आपने जो चौधरी साहब को चिट्ठी लिखी थी उसका कोई जवाब आया? बेटी, जवाब तो आया है, लेकिन उन्हें एक बुजुर्ग मोहतरमा की जरूरत है। वैसे बेटी, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझसे बेझिझक कहना। थैंक यू सर, मैं तो पहले ही आपके एहसानों तले दबी हूँ। माँ, तू आ गई बेटी।
हाँ माँ। नौकरी मिल गई? मिल जाएगी माँ, तू क्यों चिंता करती है? हाँ तू ठीक कहती है बेटी, ऊपर वाला देर सवेर तो सुनेगा ही। चल पहले तो खाना खा ले। खाना? अरे नहीं माँ, मैं तो प्रोफेसर साहब के घर से अभी खाना खाकर आ रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा तो। अरे माँ देख मेरे पेट में जरा सी भी जगह नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा तो आज मेरी बेटी ही मेरी माँ बन रही है। का दौरा पड़ गया है, तुम उनका ख्याल रखना। अच्छा मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। सुनिए बेटी, देखिए मैं इनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें किसी अच्छे से सैनिटोरियम में रखकर इनका बाकायदा इलाज करवाइए, क्योंकि अभी बीमारी की शुरुआत है। वरना ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी करूंगी। सोनिया बेटी, कभी तुझे सुख तो न दे सकी, उल्टा तुझ पर दुखों का बोझ डालती जा रही हूँ। ऐसा क्यों कहती हो माँ? जब पिताजी का साया मेरे सर से उड़ गया तो तुमने रात दिन एक करके मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, तो क्या मैं तुम पर बोझ थी? जब मैं तुम पर बोझ नहीं थी माँ, तो तुम मुझ पर बोझ कैसे बन सकती हो? बड़ी खुशकिस्मत होती है वो औलाद जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा का मौका मिलता है। जीती रहो बेटी, तू आराम कर माँ। हेलो आंटी। हेलो बेटी, आप कहाँ तक जा रही हैं? ऊटी तक। तो भी बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा? हाँ आपके साथ का, मैं भी ऊटी जा रही हूँ। आप कुछ खाइए ना। नो थैंक्स। मिठाई के लिए इनका? ओह समझी, आप इस उम्र में भी अपने फिगर का ख्याल रखती हैं, है ना? आप मेरा फिगर देख रही हैं? तुम खाते पीते घर की लगती हो। हाँ आप ठीक कहती हैं, हमारे यहाँ तो हर एक दो दो किलो आराम से खा जाता है। तो तुम खाते पीते रहो, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम देती हूँ। अच्छा Mm-hmm.
हटो, अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? अरे हटो मेरे रास्ते से। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन आप जैसी नहीं। यहाँ पर एक खूसट सी बुढ़िया थी, कहाँ गई? खूसट, खूसट सी बुढ़िया? हाँ, मगर वो तो उठी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पिछले स्टेशन पे ही उतर गई। एनीवे आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, बट देयर वाज नो अदर वे, वरना ट्रेन छूट जाती है। आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया। आइए आइए मेरे पास बैठिए। ये तुम्हारे पास नहीं बैठ सकते। तो फिर मैं आपके पास बैठूं? आप ना यहाँ बैठ सकते हैं ना वहाँ। तो फिर मैं कहाँ बैठूं? कहीं, मगर इस कंपार्टमेंट में कहीं नहीं। चलिए उतरिए। देखिए मैडम, जब मैं ट्रेन पे चला था तो ट्रेन कुछ यूं होती, अब कुछ यूं हो रही है। अब अगर इस हालत में उतरूंगा तो मैं धरती पर नहीं आसमान में पहुंच जाऊंगा। आप आकाश में पहुंचे या पाताल में, यहाँ से दफा हो जाइए। चलिए, रहम कीजिए। नो रहम। अरे एक शरीफ आदमी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज। ऐसे शरीफ बदमाश की रिक्वेस्ट का मतलब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अभी तक गोद में बैठे? चलिए उतरिए, उतरिए, मैं चेन खींच लूंगी। चेन खींच दूंगी? मेरे होते हुए तुम कुछ भी नहीं खींच सकती। खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। अच्छा, खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। वाह, क्या मजेदार फाइट है। अरे वाह, अरे अरे वाह। आप दोनों आपस में फैसला कर लो, तब तक मैं आराम फरमाता हूँ। अरे वाह, देखिए साहिबानों मेहरबानों, पहली बार ट्रेन में जोरदार धमाकेदार फ्री स्टाइल मारामारी, सिंगल पसली वर्सेस डबल पसली। डबल पसली ने किया वार, सिंगल पसली झपाक, और पसली थोड़ी पिचिक हट के सिंगल पसली को जो डबल पसली को धो रही है, धपक धप धपक धप, लब 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 लब, और डबल पसली चारों खाने चेक। क्या शोर मचा रखा है यहाँ? अच्छा वो आप आ गए, अब जरा इनसे पूछिए कि ये महोदय लेडीज कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। पूछे पूछे क्यों माशे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए उतरिए, नीचे उतरिए। अरे साहब, लेकिन मेरी भी तो बात सुनिए ना प्लीज। हाँ हाँ, जरूर सुनेंगे, लेकिन स्टेशन आने के बाद। कम ऑन, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। स्टेशन ही ना सर, पुलिस स्टेशन तो नहीं। आइए टीची साहब, आप मारेंगे तो नहीं ना? आइए आइए पहले मेरे साथ। सिंगल पसली तूने अच्छा नहीं किया, आगे की कार्यवाही आप कीजिए। मेरी तो सीटी बज गई, मैं चला। मेरा तो बाजा बज गया ना। बैठा बैठा साहब, ये मेरा फाइन। नमस्ते। कमाल है। टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज। नमस्कार नमस्कार, सावित्री देवी, मैं आप ही को लेने के लिए आया हूँ। जी मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। आप वो नहीं है तो फिर सावित्री देवी कौन है? सुनिए जी, मैं हूँ सावित्री देवी। नमस्कार नमस्कार, मैं आपको ही लेने के लिए आया हूँ। नहीं आए, अभी तक नहीं आए, कहाँ मर गए दोनों? नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। हाँ सर, हो सकता है ये बच्चे लोग ने उसे स्टेशन से ही भगा दिया होगा। नहीं नहीं मिसेस लोबो, बच्चों की अभी इतनी हिम्मत नहीं है। मालिक मालिक, बच्चे आ गए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पूरे 15 मिनट लेट। मामा गाड़ी ही लेट थी, हम क्या करते? हम क्या करते? ड्राइवर, मिसेस लोबो को बस स्टैंड तक छोड़कर आओ। जी साहब। थैंक यू सर, इट इज ओके, बाय बाय बाय। ओ
Oh, hello. Hello. So, tum nahi governess, hi? Oh, God help you. You know these children, they're so naughty, they're devils. इन लोगों ने सब गवर्नेंस को भगा दिया है अभी हम भी भाग जाते हैं और तुमको भी भगा देगा व्हाट ओह तो हम गॉड के पास तुम्हारे वास्ते दुआ मांगेगा मैडम मैडम इनकी बातों में मत आइएगा ये बहुत झूठ बोलती है चलिए हमारे साथ नमस्ते आपसे तो आप हैं सावित्री देवी तुम चलो अंदर आपके सफेद बाल तो आपकी ढलती हुई उम्र की कहानी कह रहे हैं मगर आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है इस कोरे रंग और खूबसूरती का राज क्या है इमामी नेचुरली फेयर फेयरनेस क्रीम में सनस्क्रीन धूप तो ताप से बचाए दूध खीरा नारियल पानी जड़ी बूटी खामोश बात यह है सावित्री देवी मैंने जिंदगी में पहली बार नमस्ते मामा जी आओ बरखुरदार तो तुम भी आ गए पहले ये बताओ कि इतनी देर क्यों हुई जब तुम भी इनकी ट्रेन पर आ रहे थे आ तो रहा था लेकिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक गरीब लाचार बुढ़िया गुड़िया बुढ़िया अच्छा वो बेहोश गिर गई वो मरने वाली थी मैंने पानी तलाशा नहीं मिला मैं दौड़ा भागा कुएं से पानी लाया उससे पिलाया उसे तो होश आ गया लेकिन मेरे होश उड़ गए इसी तरह मेरी ट्रेन छुट्टी में रास्ते पे आया जीप में बैठा डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ अच्छा किया सावित्री देवी ये है मेरा सबसे बड़ा भांजा विजय नमस्ते करो नमस्ते आंटी नमस्ते भीमा जी मालिक सावित्री देवी जी को इनके कमरे तक ले जाओ अच्छा मालिक क्या हुआ ये तो होता ही रहेगा आपका चेहरा मेरा चेहरा हाँ देखिए समझ गया बच्चों की ही शरारत होगी क्या करें उम्र ही ऐसी है आप चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी माफ कीजिएगा मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक ठाक तो है ना जी बिल्कुल अच्छा। आप आइए ना अरे ये आपने मूड़ा क्यों उठा लिया है मूड़ा हाँ वो भी ऐसे देखिए ना ये तो चिपक गया है चिपक गया है तो मैं छुड़ा देता हूँ जी नहीं 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 तकल्लुफ की कोई बात नहीं आप जी नहीं मैं कर लूंगी कोई बात नहीं सावित्री देवी मैं हटा देता हूँ आइए आइए अच्छा हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा एक मिनट सॉरी इतनी जोर से कैसे चिपक गया सावित्री देवी
मम्मी शर्म आ रही है। एक बस एक कभी वीराने थे अभी गुलो गुलजार नजर आते हैं, बदले बदले दरो दीवार नजर आते हैं। क्या बात है, आप ठीक फरमाते हैं मगर मेरे सरकार बहुत दिनों बाद नजर आते हैं। होती हैं कुछ मजबूरियां जिसमें इंसान झगड़ जाता है। वो क्या है कि अपनी वो विजू आई थी तो जरा उसको घुमाने फिराने में लगा हुआ था। विजू कौन? विजू विजंती माला। विजंती माला ये क्या कर रहे? लपेट रहा हूँ। तुम्हें क्या फेंक रहा हूँ? सुबह से कोई और नहीं मिला। चल सच बता कौन थी वो। सच बोलो यार। अरे बता बता, तू चौधरी रणबीर सिंह से झूठ मत बोल। चल बता। किसी को बताएगा तू? नहीं तू नहीं। ललिता पवार जनाना महक, औरत की खुशबू, मोहब्बत की तड़प। क्या माल है यार। चुप, बच्चों की नई गवर्नेस है सावित्री देवी। सावित्री देवी, नमस्ते सावित्री देवी। नमस्ते। मेरा नाम नसीब कुमार है। आप तो मुझे जानती होंगी, मैंने आज तक चार पांच सौ फिल्मों में काम किया है एज हीरो। मैंने तो हजारों फिल्में देखी हैं। आप कहीं नजर नहीं आए किसी कोने में भी? नहीं जी नहीं। असल में कसूर आपका नहीं है। क्या मेरी फिल्में जो है ना, पहले दिन थिएटर में टिकट नहीं मिलती और दूसरे दिन थिएटर में फिल्म नहीं मिलती है। मैं चलती हूँ। थिएटर में? जी नहीं, पढ़ाई। ओह, मैं भी चलता हूँ। इधर हो क्या था? उधर बैठो। उधर क्या? आओ आओ। बहुत बोर आदमी है यार। चलो गुड़िया अपना होमवर्क दिखाओ। बिट्टू कहाँ है? आता ही होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठो। आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगी। भारत की एक वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने न जाने कितने फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही वीर नारियों की वजह से भारत देश का नाम संसार में ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। वो नीचे आ रहा है। कभी नहीं आ सकता। वो तो नीचे आ रहा है। मैंने कहा ना नहीं आ सकता। वो आ गया। वो क्या? वो आपकी साड़ी पर। साड़ी पर? क्या हुआ? कहाँ जा रहा? सीधे खड़े रहे। कीड़ा, वो कीड़ा। कीड़ा? कौन सा कीड़ा? किसकी हिम्मत जो मुझ पर चढ़ जाए? वो हटाओ। आहिस्ते आहिस्ते, क्या करता है? नकली है। डरपोक चूचू कर रहा है। नकली है? किसने किए शरारत? मैं पूछता हूँ किसने किए शरारत, बताओ। ठहर, मैं पूछता हूँ यार। बेटा डरो मत, बोलो। मामा कुछ नहीं करेंगे। मामा तो आज बहुत कुछ करेंगे। चौधरी साहब, कुछ भी करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कैसे निभाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे और बच्चों के बीच आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे। आप मुझे समझा रही हैं सावित्री देवी, मुझे चौधरी रणबीर सिंह को? ठीक कर रही हैं, ठीक है। अरे क्या ठीक कर रही हैं यार, जहाँ देखो छोटी आंख बना के झगड़ा शुरू कर देता। चल। सॉरी आंटी, हमें माफ कर दीजिए आंटी। आइंदा ऐसी शरारत मत करना। नहीं करेंगे आंटी। कभी नहीं करेंगे आंटी। है वो कयामत। ये कौन सी कयामत है यार? पहली मर्तबा लानत है यार। कुमार साहब। नहीं नहीं, मतलब प्रताप सिंह जी, आप कैसे जाना हुआ? हाँ जी। नहीं मतलब कैसे आना हुआ? मैं आप ही का इंतजार कर। अच्छा तो जाइए। हैं? नहीं मतलब बैठिए। कुमार साहब जी, आपके इस एक्टिंग स्कूल को देखकर मुझे बड़ा दुख हो। क्या मतलब? अरे नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था।
आप जैसे मशहूर और महान कलाकार की इस जमाने में कोई कदर ही नहीं। बेदर जमाना क्या जाने, लेकिन हम आपका दर्द जानते हैं। अच्छा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक्टिंग स्कूल की गिरती हुई दीवारों को एक मजबूत इमारत में बदल दें और सामने बोर्ड लगा दें, वो भी बड़ा सा, कुमार एक्टिंग स्कूल। क्या आप नहीं चाहते? अरे हुजूर बोलिए ना। मैं नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं, मगर ऐसा होगा कैसे? ऐसे होगा सिर्फ एक परमिशन से, वो भी चौधरी साहब की। चौधरी साहब की परमिशन? उसका मेरे स्कूल से क्या लेने देना, मैं समझा नहीं। सर मैं समझाता हूँ, आप तो जानते ही हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद होने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। तो अगर आप परमिशन पेपर्स पर चौधरी साहब के दस्तखत करा दें तो मैं सारे एक्टिंग स्कूल को पूरा। रुकिए रुकिए, अरे मैं अब जाके समझा। अरे क्या आदमी है यार। तो इसमें मैं एक राय देता हूँ। हाँ दीजिए ना। अगर मेरी राय आपको पसंद नहीं आए तो बुरा मानना। जी क्या बात कर रहे हैं। नहीं मानना, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या है कि ये कुमार ने है ना सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग बेची है, अपना जमीर नहीं बेचा है, इसलिए अपना मुंह काला कीजिए और यहाँ से बाहर जाइए। चलिए चल, ये विलन वाली एक्टिंग मुझे मत करके देखो, मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इससे अच्छी एक्टिंग करते हैं। चलो निकलो बात, चल 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 हट। बताओ हम दुनिया को एक्टिंग सिखाते हैं या हमको बेईमानी सिखा रहा है? एक्टर बेईमान कभी नहीं। भैया भैया वो नई आंटी कितनी अच्छी है। हाँ तुम लोग शुरू शुरू में हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलते हो, फिर खुद ही भगा देते हो। हम उन्हें कभी नहीं भगाएंगे। मैं नहीं मानता। आप ठीक कहते हैं भैया, हम उन्हें जरूर भगाना चाहते थे, इसीलिए तो मैंने तौलिए पे काला रंग लगा दिया था। अच्छा? और मैंने मूड़े पर फेविकॉल लगाया था, और मैंने कल बिच्छू भी छोड़ दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मामा जी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो छोड़ो भैया, आंटी ने तो हमें मामा जी की डांट से भी बचा लिया। भैया न जाने क्यों आंटी को देख के माँ की याद आती है। अरे हाँ याद आया, मैंने माँ की तस्वीर को फ्रेम करवाया है। ये कितनी प्यारी फोटो है ना भैया, इसे वहाँ लगा दो। अच्छा लगा देता हूँ। ठहरो, किससे पूछ कर ये तस्वीर लगा रहे हो? हाँ अपनी माँ की तस्वीर लगाने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी मुझसे। कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगेगी जो मेरे जख्मों को हरा कर दे, समझे? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी। माँ, जिस भाई ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, जरा बिट्टू और गुड़िया की तरफ तो देख, इनकी तो सोच, अपनी नफरत की आग की लपटें इन बच्चों तक न पहुंचने दे। मेरे लाल, मेरे लाल, मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू अपने मामा के यहाँ जरूर जाएगा, जाएगा ना? देख, देख, मेरी आखिरी सांसें तेरी हाँ का इंतजार कर रही हैं। बोल, बोल बेटे। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। तूने इतना प्यार, इतनी श्रद्धा अपने में समेटी रखी, उसे कभी तेरी याद नहीं आई? मां मैं तेरी कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैंने मामा के दिल में तुम्हारे प्यार की लौ से उजाला ना कर दिया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मां तूने ये वचन लेकर किस अग्नि परीक्षा के पद पर खड़ा कर दिया मुझे। आप इत्मीनान रखिए, चौधरी रणबीर सिंह किसी भी कीमत पर दस्तखत नहीं करेगा,
और रही बेरोजगार मजदूरों की बात, तो उन्हें मेरे फार्म पर भेज दीजिए। उन्हें दो वक्त की रोटी देने से मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, और मजदूरों के मन में प्रताप सिंह की फैक्ट्री को खुलवाने की बात भी नहीं आएगी। और कुछ नहीं चौधरी साहब, और कोई खास बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। आइए आइए सावित्री देवी, कहिए क्या काम है। जी बात यह है कि बोलिए बोलिए, संकोच मत करिए। जी मैं सोच रही थी, शाम को वैसे भी मेरी यहाँ जरूरत नहीं होती, तो क्यों ना मैं घूम घाम कर आ जाए करूँ। नई नई जगह है तो। हाँ हाँ, शौक से जाइए, लेकिन रात को खाने के वक्त 9 बजे जरूर आ जाइए, यह हमारे असूल है। जी मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। थैंक यू। सोनिया मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? पहले से ठीक हूं बेटी, आबिदा बहन मेरा बहुत ख्याल रखती है। हेलो मिसेस खन्ना। हेलो सोनिया। हेलो। गुड गुड प्रोग्रेस, लगता है आपको यहाँ की आबो हवा रास आ गई है। ये सब आप लोगों की देखभाल और मेहनत का नतीजा है डॉक्टर। नर्स? यस डॉक्टर। कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। यस ओके। मैं अभी आई डॉक्टर। हाँ माँ, पूरी तरह से तो ठीक हो जाएंगी ना? घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नई दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर उन्हें दी जाए तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मगर मगर क्या? दवाइयाँ कुछ महंगी हैं। मैं बंदोबस्त करूंगी। दैट्स गुड। इसका मतलब इस नौकरी के अलावा मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो देश के सभी नृत्य हम अपने शिष्यों को खुद ही सिखाते हैं, लेकिन आजकल के नवयुवक नवयुवतियों की इच्छा को देखते हुए हम पाश्चात्य नृत्य कला की क्लासेस भी शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए मेल इंस्ट्रक्टर की जगह आपको चुन लिया गया है। थैंक यू सर। बस एक महिला की तलाश जो बालिकाओं को नृत्य सिखा रखे। मिल जाएगी मिल जाएगी। अच्छा सर मैं चलता हूँ। चलिए, परंतु कल से आना मत भूलिएगा। नमस्ते। अच्छा अच्छा बाय। मेल इंस्ट्रक्टर। नमस्ते। उसे मैंने चुन लिया। अरे सर सर सर। अरे आपको तो मैंने कल बुलाया था। सर लेकिन आप उसे अभी बुला लीजिए। किसे? अरे वही महान डांसर जो अभी अभी बाहर गई है। चली गई? हाँ, आप नहीं जानते, जब वो हाथ ऐसे लहराती है तो सैकड़ों घायल, जब वो पैर ऐसा मारती है तो लाखों बेहोश, जब वो झटका ऐसे लेती है तो लाखों की दिलों की धड़कन रुक जाती है। रुकी हुई धड़कन तो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो वापस नहीं आती। जाइए जाइए सर। ओके ना? जाइए ना। हटिए हटिए। अरे अरे अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए इस नेटवर्क की बड़ी भूल को, जो इस देश की महान नृत्यांगना को अपने ही अंगना में पहचान नहीं सका। आशा है इस बात का बुरा न मानते हुए कल से ही आप अपने चरण कमलों से पधारकर मेरे विद्यालय की शोभा बढ़ाएंगी। नहीं बढ़ाएंगी तो न रहेगा नटवर, न रहेगा लाल। मौन तोड़िए, मुख से बोलिए। आएंगी ना? आएंगी ना? जी हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी। प्रार्थना स्वीकार हुई, देवी प्रसन्न हुई, जीवन सफल हो गया। धन्यवाद धन्यवाद देवी, धन्यवाद धन्यवाद। ये डांस मास्टर है या घनचक्कर है? इसका तो कुछ चक्कर समझ में नहीं आया। पहले तो साफ मना कर दिया, फिर कहता है कल ही आ जाओ। अचानक की मेहरबानी क्यों? हमको दुआएं दीजिए, इस काबिल बना दिया। तो आप हैं इसके पीछे? जी हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि अचानक की मेहरबानी क्यों? वेरी सिंपल, आई लव यू।
but I hate you. अरे but I love you. She loves me, she hates me. She loves me, she hates me. She loves me, she hates me. She loves me, she. क्या है बरखुरदार? लोग सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, तुम लव हेट की माला जप रहे हो। एक आशिक के लिए अपनी महबूबा को याद करना भगवान को याद करने के बराबर होता है। मगर ये तो पता चले कि वो कौन शर्मिली है जिसने हमारे भांजे का दिल लिया और दर्द दिया। वही तो। अरे यार ये सरदर्द कहाँ से आ गया? कौन है ये? प्रताप सिंह अब वो नहीं रहा चौधरी साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि आपकी तरह मैं भी एक अच्छा नागरिक हूं। भेड़ की खाल पहनने से भेड़िया भेड़ नहीं हो जाता। चौधरी साहब आप मुझे अभी भी गलत समझ रहे हैं, मुझे तो उन मजदूरों की चिंता है जिनका घर सिर्फ मेरी फैक्ट्री पर चलता है। अगर आप दस्तखत कर दें तो कभी नहीं मिल सकते। तो फिर उन मजदूरों का क्या होगा? तुम्हें उन मजदूरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मजदूरों की आड़ लेकर फिर तुम अपने पुराने काले कारनामे करोगे, गरीबों के पेट की आग को अपने गुनाहों के छींटों से बुझाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगा। आज तो तुमने यहाँ आने की जरूरत की, आइंदा मेरी चौखट पे कभी कदम मत रखना, निकल जाओ यहाँ से। अफसोस आप हमारे प्यार की भाषा समझ नहीं पाए। क्या कर रहा है? पैर खुजाना, और क्या कर रहा हूँ? बहुत अच्छा किया, इस साले को झिड़क के तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में हर शेर का सवा शेर होता है। मगर ये ताला खुलेगा कैसे? जब चौधरी रणबीर सिंह पेपर्स पर सिग्नेचर कर देगा। चौधरी? Who is this चौधरी? यहाँ का सबसे बड़ा आदमी, लेकिन हमें मालूम है कि वो सिग्नेचर इतनी आसानी से नहीं करेगा। Then kill him. खत्म कर दो उसे। आपने कह दिया और हमने सुन लिया मिस्टर जेम्स, ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन चौधरी नाम की दीवार को गिराना इतना आसान नहीं है, और अगर गिरा भी दिया तो उसके मलबे के नीचे दबकर हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे। तो ठीक है, आप दफन हो जाइए। ब्लैक आई अपनी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ये डील किसी और नहीं को देंगे। ये डील हम ही करेंगे। ब्लैक आई से कहकर हमें एक मौका और दिलवाओ। फिलहाल उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है। एक महीना यानी कि 30 दिन, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8,
आई हूँ। शिकायत? इनकी शिकायत? जी हाँ, अगर ये मुझे इसी तरह डिस्टर्ब करते रहे ना तो मैं अपनी लड़कियों को कुछ नहीं सिखा सकूंगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कुछ तो इनके बाल बच्चों का ख्याल कीजिए। हाय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना हमारे इमामी शो का क्या होगा जो हम आपके भरोसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया प्यार से रहिए, हिल मिल कर रहिए। यही तो मैंने कब से समझा रहा हूँ। समझ जाइए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप लोग ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि आज के इमामी शो के विजेता कौन है। तो वो है नटवर नृत्यालय के कलाकार विजय सोनिया और उनके साथी। जिनको इनाम देंगे भारत के मशहूर फिल्म स्टार अनिल कपूर। अबे ठहरना, अरे वो मेरा शागिर्द है, इसको मैंने एक्टिंग से का साला, मेरे कपड़े, अबे ये कपड़ा फट जाएगा। अबे क्या आदमी है। आइए आइए अनिल साहब, आइए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और बार जोरदार तालियां अनिल साहब के नाम। और अब इमामी का तोहफा विजय और सोनिया के नाम। रिहर्सल भी बहुत की ना। अनिल कपूर जी आ गए तो और मजा आ गया। या he was looking very handsome यार। लो फिर ये मुसीबत आ गई, अब क्या करोगी? हट जाओ मेरे रास्ते से, चल बस आगे चल। ओह कम ऑन, लेट्स गो। रुको,
मैं कहती हूँ हट जाओ। कैसे हट जाओ, जब रास्ता भी तुम हो और मंजिल भी तुम, प्यार करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। बकवास मत करो, तुम्हें हटना ही होगा नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी। बस बस तो और भी मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझ जैसा आशिक मिस हो गया ना तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी। माय फुट। ओह नो, मेरी बस। अरे अरे, स्टॉप द बस। हाय सोनिया। हाय मिस्टर प्रताप सिंह। ओह मिस्टर प्रताप जी, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, कहाँ जा रही हैं आप? मैं घर तक। तो आइए मैं छोड़ देता हूँ। Really? Yeah, आइए। How sweet of you. वाह सोनिया वाह, क्या डांस किया तुमने, तुम्हारे ये पैरों की थिरकन ने न जाने कितनों पर बिजलियां गिराए। थैंक यू। तुम्हारी ये नशीली आंखें, ये गुलाबी होठ और ये संगमरमर जैसा बदन, लगता है ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से तराशा है तुम्हें। आप होश में तो हैं? अजी मेरी बात छोड़िए, अगर आज वो भी होता ना तो बेहोश हो जाता। अरे अब मेरा घर तो उस तरफ है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जन्नत की सैर कराने डालेंगे। गाड़ी रोको। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। कैसे रोको डालेंगे, ये तो अपनी जगह पर ही जाकर रुकेगी। जब मेरी बाहों में मेरी डालेंगे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ू? थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होते तो मुझे घर तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज। जैसे तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। थैंक यू। ओके बाय। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तुम क्या जानो सोनी? हाय। हाय
जानती हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? कितना? जितना शाहजहां ने मुमताज महल से किया था। रियली? झूठा कहीं का। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब तुम मरोगी ना तो मैं तुम्हारी याद में भी एक ऐसा ही ताजमहल बनवाऊंगा। सच? ताजमहल माय फुट। जरूर ताजमहल चाय की बात कर रहा है। चाय पियोगी ना? नो। नहीं। हाँ, हम खामखा चाय पीने में क्यों टाइम बर्बाद करें? जनमन, तुमसे लिपटने को दिल तड़पता है। हाँ। लिपटती हूँ मैं तुमसे आके। गया कहाँ? Yes, sweetheart. I love you. I'm crazy. Crazy about you. Oh my God. Oh my God. I love you. क्या कर रही हो? पहले मुझे बचाओ तो सही। कहाँ है वो चीपो? चीपो? Yes, that bitch. Bitch? कौन सी bitch? That bitch. वो चुड़ैल जिसके लिए तुम ताजमहल बना रहे थे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसका खून पी जाऊंगी मैं। I'll kill her. कहाँ छुपा रखा है उसे? वहां जहां तुम क्या तुम्हारी नजर भी नहीं पहुंच सकती। क्या मतलब? अपने दिल में। You liar, you cheat. I hate you. तब सोनिया। ये जलन ही तड़प ये सब किस लिए? कहती क्यों नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार करती हो? That you love me. That you love me. You love me. I love you. Sonia. प्यारे यही तो इश्क कहलाए। तो फिर करो कोई उपाय। ऐसा करूंगा मैं उपाय कि हुस्न इश्क के पीछे पड़ जाए। अरे लानत है यार। अरे हाँ हाँ, मेरे मामा चौधरी रणबीर सिंह को एक गरीब औरत सावित्री देवी से प्यार हो गया है जो उन्हीं के घर में काम करती है। क्या गरीब होना गुनाह है? ये सवाल मुझसे नहीं, मेरे मामा से पूछो सोनिया, जिसने अपनी इकलौती बहन को किसी गरीब आदमी से प्यार करने के जुर्म में अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तेरे प्यार में क्या क्या बना डर। ये क्या अंकल? ये मीठी मिठाई। मीठी मिठाई? लो ना भांजे, ये सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा 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 अच्छा, मेरे लिए। लेकिन किस खुशी में? ये खुशी की नहीं, ये दुख की मिठाई। दुख की मिठाई रख दीजिए अंकल। खुशी में तो लोगों को मिठाई खिलाते हुए सुना था,
मगर ये दुख की मिठाई। कुछ दुख ऐसे होते हैं बेटा जिनका इलाज दवाई से नहीं बल्कि मिठाई से होता है। जैसे? जैसे तेरे मामा को दुख, तेरे मामा को दुख, तेरा दुख, तेरा दुख, मेरा दुख, मेरा दुख। बस वहीं रुक। अच्छा रुकिए, पर एक वादा करना, तू मेरी मदद करेगा ना? अगर मेरे बस में तो जरूर। अरे तेरे ही बस में, जैसे तूने उन नमस्ते वाली को अपने बस में किया था ना, तो मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता कि तेरे मामा सावित्री देवी की प्यार की बाउंड्री तक पहुंच जाएं। बस अंकल, मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि मामा दौड़ते हुए सावित्री देवी के प्यार की बाउंड्री पार कर जाएंगे। आए, आए। मालिक, लगता है आपकी जवानी को किसी की नजर लग गई है। आए, आए, लग गई। सावित्री देवी, आज सुबह उठकर मैं सबसे पहले आप ही का चेहरा देखना चाहता था। किस लिए? वो इसलिए कि आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओह, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, सावित्री देवी जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी कहिए। आपकी आज की शाम मेरे नाम। आप, आपके नाम? आज मैं अपनी जन्मदिन की पार्टी जिंदगी में पहली बार दे रहा हूं जिसमें आपका। ओहो, सावित्री देवी। तो आप हैं सावित्री देवी, चौधरी साहब की खास मेहमान। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन इस वक्त आप यहां, आपको तो घर पे होना चाहिए था। सचमुच मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं आप, लेकिन कमबख्त ये जुल्फें धोखा दे गई आपको, इन्हें छुपना नहीं आया। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, ये राज प्रताप सिंह तक ही रहेगा मिस सोनी। बस इसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल शाम को 6 बजे होटल हिलव्यू में आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मजबूर और जरूरतमंद इंसान को अपने किए गए वादों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। क्या गहरी चाल चली है तुमने, एक तीर दो निशाने, वही मान गए तुम्हें। एक तरफ चौधरी और दूसरी तरफ कहीं विजय से सचमुच इश्क तो नहीं हो गया तुम्हें? इश्क? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे अगर जेब भरी हो तो इश्क का अपना ही नशा होता है, और अगर जेब खाली हो तो कोई नशा असर ही नहीं करता। हम तुम्हारी जेब दौलत से भर दें तो तीर भी तुम्हारा और निशाना भी। खूबसूरत होने के साथ साथ अकलमंद भी हो तुम। आज से तुम्हारी अकलमंदी प्रताप के पास गिरवी रहेगी।
इन परमिशन पेपर्स पर चौधरी के दस्तखत करवा कर जब चाहो अपनी अकलमंदी छुड़वा सकती हो। काम तो हो जाएगा प्रताप, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम कहती हो तो इंतजार भी कर लेंगे। तो चले चलिए। लिफ्ट बाय। नया प्यार मुबारक हो विजय। तुम क्यों हैरान होगी मुझे देखकर? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सच्चाई का सामना इतना जल्द हो जाएगा। हा? तुम गलत समझ रहे हो मेरा मतलब। मैं तुम्हारे हर मतलब का मतलब समझता हूँ सोनिया। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस राज पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन आज पर्दा उठ गया, हकीकत सामने आ गई। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है कि प्रताप सिंह जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। नहीं विजय, तो मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसा चेहरा छुपा हुआ है जिसका ईमान धर्म सिर्फ पैसा है। I hate you. खाना नहीं खा रहे? लाओ मुझे दो। तुम अभी तक गए नहीं? आप खाने से क्या नाराजगी? कहीं तुम्हारा सोनिया के साथ? मत लीजिए उस बेवफा का नाम मेरे सामने। नफरत है मुझे उससे। उसने मेरे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उस कमीने प्रताप सिंह के साथ। नहीं, मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी जो प्यार को बेवफा होने पर मजबूर कर दे? तुमने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश की? उसे कभी पूछा? हो सकता है कि जो तुम समझ रहे हो उसका कोई दूसरा पहलू भी हो। मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। सोनिया, सोनिया, आंटी, ये सब क्या है? विजय, बेटे, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब नेहरू हॉस्पिटल के रूम नंबर 9 से मिल सकता है। परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा मुझे? तुम बेटी होकर सब कुछ छुपाती रही मुझसे। माँ होकर माँ का हक भी नहीं दिया तुमने। अपना दुख, अपनी परेशानी भी नहीं बांटी मुझसे। आबिदा बहन ने सब कुछ बता दिया है मुझे। इस बीमार बुढ़िया को बचाने के लिए तुम्हें खुद बुढ़िया बनना पड़ा। छोड़ के चादर ओढ़कर माँ का इलाज करवाती रही तुम। नहीं करवाना मुझे अपना इलाज, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। प्लीज माँ, ऐसा मत करो प्लीज। बेटी, कम से कम विजय को तो बता दिया होता। मैंने बहुत कोशिश की माँ, मगर वो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार। चल मुझे उसके पास ले चल, मैं दूंगी उसे तेरी बेगुनाही का सबूत। तो चिंता मत कर माँ, मौका मिलते मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। प्रॉमिस, ठीक है? ये ले, तू ये खा और अपना ख्याल रखना। अरे मोटर मोटर सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। अरे एक नजर इधर भी तो देखिए। अरे रुकिए, आप है कौन? अरे खाक साहब को जवानी दीवानी कहते हैं।
अन्ना सा शायरू तिमरा आप पर नजर पड़ी तो फिसलती चली गई। वाह वाह, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है और क्या गाल है। पाखंडी जी नहीं, अरे सुनिए मोटरमा, अरे बदतमीजी है, मेरी आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में भी? आप उम्र की बात ना कीजिए हमसे। माशाल्लाह आपका ये हुस्न, ये शबाब, ये रुख, ये अंदाज हम पर कह डाल रहे हैं, हमारी तबीयत को मचला रहे हैं, हम पर बिजलियां गिरा रहे हैं, हमें जुड़ा रहे हैं, हम जले जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। ए बुड्ढे छोड़ दे मेरा रास्ता, नहीं तो मैं कहां। देखे हैं जलवे जवानी के हमने, बुढ़ापे का जलवा हमें देखना है। छोड़ दे। तो ये बात थी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि हम लोगों को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि वो सारा चक्कर जो था वो तुम्हारा वो क्या, वाह क्या एक्टिंग की थी। ये नसीब कुमार तुम्हारी एक्टिंग को सलाम करता है, तो आशीर्वाद के लिए मेरे सर पे हाथ रखना। तो हुस्त सलाम वालाम बाद में, पहले ये सोचा जाए कि मामा के प्यार के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए और प्रताप सिंह की चली हुई चाल से चौधरी साहब को कैसे बचाया जाए। हाँ समस्या तो गंभीर है, मगर इस समस्या से वो छुटकारा दिला सकता है। कौन? बाबा गोबरनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ, जय जय बाबा गोबरनाथ, जय जय बाबा गोबरनाथ। बोलो बाबा गोबरनाथ की, बोलो बाबा गोबरनाथ की, बोलो बाबा गोबरनाथ की, बोलो बाबा गोबरनाथ की, जय जय हो बाबा गोबरनाथ की, जय हो। अरे बाबा से मिलने से पहले हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, अरे जब से बाबा ने इन ज्योतिहीन आंखों पे हाथ फिराया हमें सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। अब तो अंधेरा में भी सुई में धागा डालने को सकता है। देखा बाबा का चमत्कार? देख रहा हूँ। देखा ना, हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करो महाराज। 20 साल से मेरी बीवी की गोद सुनी थी मैंने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहाँ कहाँ जाकर घंटा नहीं बजाया, मगर किसी ने घंटे की आवाज नहीं सुनी। सिर्फ बाबा आपने घंटे की आवाज सुनी। आपके आशीर्वाद से एक नहीं, दो नहीं, एक साथ तीन तीन बच्चों का बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जरूर उसकी बीवी ने त्रिदेव देखा होगा। क्या देखा होगा? नहीं, बाबा का दूसरा नाम है फोरदेव, बाबा उसके अवतार हैं। बाबा की जय। जय बाबा। देवियों और सज्जनों, आज की सभा यहीं समाप्त होती है, बाबा के विश्राम का समय हो गया है। आप लोग अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कीजिए और जोर से बोलिए बाबा गोबरनाथ की, बाबा गोबरनाथ की, बाबा गोबरनाथ की। चल ये मौका अच्छा, अरे चलना यार, वो लोगों को औलाद दिलाना तुझे सावित्री दिला सकता है। अरे चलना यार, काटेगा थोड़ी। जय बाबा भोगनाथ, जय। उठो बच्चा उठो, हम तुम्हारे कष्ट से भलीभांति परिचित हैं। मालूम नहीं क्या बोला, अपने जाने देना, तू करे ना छोड़। बाबा बाबा इसका कष्ट दूर कर दो बस। अवश्य दूर करेंगे। दूर करेंगे? क्या दूर करेंगे बाबा? सावित्री को तुमसे दूर करेंगे बच्चा। क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा? भगवान के लिए सावित्री को मुझसे दूर मत करिए, मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है बच्चा, परंतु 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 क्या बाबा? परंतु एक विकट समस्या है। नहीं महाराज, आप अपनी अलौकिक शक्ति से इनकी मनोकामना को गुड़ गोबर होने से बचा लीजिए। हाँ, एक मार्ग है। क्या महाराज? अगर तुम्हें अपने जीवन पे छाए हुए अंधियारे पे प्रेम की ज्योति जलाना है, जलाना है, सावित्री को पाना है, पाना है, उसे अपना बनाना है, बनाना है महाराज, बनाना है, तो उससे दूर रहना होगा। दूर रहना होगा? आज से आने वाली सातवीं पूर्णमासी तक। मगर सातवीं पूर्णमासी के आते आते तो मेरा चौथा हो जाएगा। इसका कोई उपाय तो होगा महाराज। हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? कि जब भी तुम या तुम्हारे कदम उसकी तरफ प्रेम विवश बढ़े तो हमारे नाम का उच्चारण कर लेना। महाराज, हमारा नाम ही तुम्हारे हर कष्ट का निवारण होगा। जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ। अच्छा हुआ उस बुड्ढे से छुटकारा मिल गया। सावित्री जी,
सावित्री जी, ये आप किससे बातें कर रही हैं? मैं आप ही से बात करने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सावित्री जी, अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। जब भी मैं आपको देखता हूँ, मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पता नहीं खुजली हो रही है। खैर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? खुजली हो रही है? नहीं, मैं कह रहा था कि याद आया, मैं कह रहा था कि अब मुझे ये सूनापन काटने को दौड़ता है। ये घर की हर चीज काटती है, लेकिन यहाँ क्या काट रहा है? क्या कह रहा था मैं? यहाँ क्या काट रहा है? नहीं, मैं कह रहा था कि अब आप मेरे सुने जीवन में आ जाइए, बसंत ऋतु की तरह छा जाइए, आ जाइए। जय जय बाबा गोवर्धन। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में तुझे नहीं मिलेगी। नहीं छूना नहीं जाजा बाबा गोवर्धन, नहीं छूना नहीं जाजा बाबा गोवर्धन। जय जय बाबा गोवर्धन। बहुत होशियार समझती अपने आप को है, अपने यार से मिलकर मुझे ही बेवकूफ बना रही थी। याद रख, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर किया है तूने। अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। सोनिया तो बाद में देखेगी प्रताप सिंह, पहले तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। लड़की पे हाथ उठाने का मजा। तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया विजय, तुझे इसकी पूरी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा में गोलियां चलाने से कुछ नहीं होगा प्रताप सिंह, अपने शिकार पर निशाना लगाओ, तभी अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। हाँ, अब निशाना शिकार पे ही लगेगा, गोली भी चलेगी मगर आवाज नहीं आएगी, खून भी बहेगा, चौधरी खानदान जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश। हेलो, एक खास खबर है आपके लिए। सावित्री और सोनिया एक ही लड़की के दो नाम है, वो कुमार और अपने आशिक विजय के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर देगी। बकवास कर रहे हो तुम, झूठ है सब। यकीन नहीं आता तो उसका कबाड़ खोलकर देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा।
भांजे, चिंगारी भड़क उठेगी। कुमार साहब, चिंगारी तो भड़क चुकी है और आशियाना भी जलकर खाक हो चुका है। आशियाना खाक? कैसी बहकी बहकी बातें करो तुम, और ये क्या हुलिया बना रखा है? यही तो हकीकत है। सपनों के सहारे इंसान कब तक जी सकता है? जब किताबों में पढ़ते थे कि प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड, तो बड़ा ताज्जुब होता था। लेकिन आज इस बात का एहसास हो गया और यकीन हो गया कि प्यार इंसान को अंधा, पागल और बेवकूफ बना देता है। साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पहली हमारी समझ में नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी के हर पल को एक पहेली बनाकर रख दिया है, वही मुझसे पहेली का मतलब जानना चाहते हैं। जब कोई दुश्मन दुश्मनी का चोला पहनकर सामने आता है तो पहचाना जाता है, लेकिन जब कोई दुश्मन अपनों का चोला पहनकर सामने आता है तो बड़े बड़े धोखा खाकर रह जाते हैं। क्यों क्यों सावित्री देवी उर्फ सोनिया, और अगर कोई तीसरा नाम भी है तो? हे चौधरी साहब, मेरी मजबूरी। तुम अपने झूठ, परेब और मक्कारी को मजबूरी के दामन में छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जैसी सरी लड़कियां दौलत की खातिर गिरी से गिरी हरकत भी कर सकती हैं। मामा, ये आप गलत कह रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि एक आशिक अपनी महबूबा की बुराई भला कैसे सुन सकता है। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, और विजय, मुझे नीचा दिखाने का इससे सुनहरी मौका भला तुम्हें कैसे मिल सकता था? आखिर तुमने साबित कर दिया कि एक गंदी नाली का कीड़ा साफ सुथरे पानी में भला कैसे रह सकता है। बस बस बहुत हो गया, आप इन मासूम बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं बड़ी देर से सुनता चला जा रहा हूँ। बस कुमार साहब, इतने में घबरा गए? तुम्हारे एक्टिंग स्कूल में स्टूडेंट्स की कमी पड़ गई थी, जो तुमने इन दोनों को अपना शागिर्द बना दिया। कितनी फीस दी इन्होंने तुम्हें? 1,000, 2,000, 5,000? अरे मुझे कहा था मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दे देता। तुम मुझे फीस देते? हाँ, ताकि तुम एक दोस्त की पीठ में एक छुरा भोंकने के गुनाह से बचा लेता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें एक दोस्त समझता था, हमदर्द समझता था, अपना हमराज समझता था, लेकिन तुम एक आस्तीन के सांप निकले। बस चौधरी साहब, आज बहुत बोल गए हैं आप। अब जो मैं बोलता हूं वो सुनिए आप। अरे आप सारी जिंदगी क्या करते रहे? रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती को, यहां तक इंसानियत को दौलत के तराजू में तोलते रहे आप। आप ये भी भूल गए कि प्यार एक ऐसा रिश्ता है, एक अनमोल हीरा है, जिसे सिर्फ प्यार खरीद सकता है। दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। आप अपनी दौलत के घमंड में सब कुछ कमाते आए हैं और आज तक नहीं सुधरे आप। अभी भी आपको होश नहीं आया। कुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे खड़े हो। तुम यहां से निकल जाओ। आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। अंकल, जिस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, तुम भी जाओ, जाओ तुम भी, और साथ में इस नौटंकी को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ तुम लोग। तुम लोग क्या सोचते, मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? चौधरी रणबीर सिंह तुम लोगों के बगैर जी सकता है? अरे जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। मैं अकेला भी रह सकता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम जी सकता हूँ अकेला में। जाओ। अरे आप लोग कहाँ गुजर चले आ रहे हैं? ओल्ड मैन कहाँ तुम लोग? तो खोलो तुम लोग, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो साहब, चौधरी साहब को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। चौधरी साहब को उठा के ले गए? जल्दी आइए, हम आ रहे हैं, हम लोग अभी आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। प्रताप सिंह ने आखिर अपनी जात दिखाई दी। अंकल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, पता नहीं चौधरी साहब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। चलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो?
कहां ले जा रहे मुझे? छोड़ दो मुझको। कौन हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। ओह प्रताप सिंह, इन सारी कमीनी हरकतों के पीछे तेरा हाथ है। क्या करें चौधरी साहब, लाख कोशिशों के बाद भी आप हमारी प्यार की भाषा समझ नहीं सके, इसलिए आपको आपकी भाषा समझाने के लिए ब्लैक आई को आज खुद आना पड़ा। ब्लैक आई? Very sad, very bad old man. तुमने एक छोटा सा सिग्नेचर नहीं किया, हमको बहुत तकलीफ हुआ। जितना तकलीफ हमको हुआ उससे डबल तकलीफ तुमको होगा, होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो। डोंट हिट हिम लाइक अ डॉग, इस बेचारे को तकलीफ होगा। देखो ओल्ड मैन, हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? दोस्त? और तुम? नहीं समझा? तुम्हारा गवर्नमेंट इस मुल्क का आबादी कम करने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस मुल्क का आबादी कम नहीं होता। नहीं होगा ना? हम तुम्हारे देश के लोगों को ड्रग्स का आदत डालेगा ताकि वो अपने आप अपनी मौत मर जाएगा, और फिर तुम्हारे देश का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। हम तुम्हारे देश के वास्ते इतना बड़ा काम करता है, और तुम अपने देश के वास्ते एक छोटा सा सिग्नेचर नहीं कर सकता? करेगा ना? करेगा 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 ना? नहीं करेगा चौधरी, नहीं। मिस्टर प्रताप, तुमने इस ओल्ड मैन के साथ बहुत अत्याचार किया। वेरी गुड, तुम कांग्रेस निधि पापरी पेपरी का स्तो बेलो पर के रास्तो लियास्ता यस्तो, ये वो इस पे साइन कर रहा हूं, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, साइन कर रहा हूं। ये तुम कांग्रेस में पुरकास। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा गोवर्धन। जय जय बाबा गोवर्धन, 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 जय जय गागा गोवर्धन, जय जय गागा गोवर्धन। ये ओल्ड मैन पागल हो गया है। गोबर, तुम्हारे को कसम नहीं रहे बस? मलाक पोती। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा। ये ओल्ड मैन पागल मैड हो गया है। जय बाबा गोवर्धन, जय बाबा गोवर्धन, हे राम तेरी गंगा। बुड्ढा बिल्कुल सटिया गया है। जय जय बाबा गोवर्धन, एक मिनट एक मिनट, आप लोग यहाँ कैसे आए? हमने तो कोई हवन नहीं रखा है। बच्चा हम तो कल्याण है, तू यत्र तत्र सर्वत्र हमेशा उपस्थित रहते हैं, देख हमारा चमत्कार। तुम अक्का सुपुरिया कर यूरिया सुपुरिया सुरिया बात कर या तैया 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 मगाता। भोगरनाथ की विजय, भोगरनाथ की विजय। तुम कश्मीर पर करो इस पूछा करे नहीं तो माँ को करे। मैं तो निकल ली। पकड़े, पकड़ गया।
हरियाणा हल्दी मिर्ची हल्दी मिर्च थैंक यू कुमार से मेरी पिक्चरें फ्लॉप हुई थी मैं फ्लॉप नहीं आए पकड़ो 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 थैंक यू क्या करोगे पकड़ो 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 नहीं पकड़ो घोड़ा मुश्किलों से अपनी बहन का बिछड़ा हुआ प्यार मुझे विजय के रूप में मिला उसे मुझसे मत छीन मां छीनना है तो मेरी जिंदगी छीन ले जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया मेरे अंधेरे घर में प्यार की रोशनी दिखाकर दोबारा अंधेरा मत कर मां मेरे विजय की रक्षा कर मेरे विजय की रक्षा कर मां चौधरी भगवान ने तुम्हारी सुन ली खतरे की घड़ी टल गई टलगी मेरे दोस्त मर गया तुम्हारा भैया भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं भैया जो शब्दों के वार से टूट जाए दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से भैया मैं तो यहाँ अब कभी नहीं आऊंगी लेकिन हर साल मेरी राखी अपने भैया का इंतजार करेगी बहन अगर आज तू जिंदा होती तो मामा
विजय। सोनिया कहाँ है? चौधरान की तो चांदी ही चांदी है, घर की लक्ष्मी के साथ साथ तिजोरी की लक्ष्मी भी तो आएगी। आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नहीं। कहेज कि हम अगर इतने ही लालची होते तो मुंह खोल के ना मांगते थे। निरंजन के बापू ने तो साफ साफ कह दिया, इच्छा हो तो ही दीजिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें तो बस बहुरानी चाहिए। सुनिए सुनिए जी, दहेज कैसा मिला? ठीक है, माँ बाबूजी कुछ खुश नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बहुरानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, दीवान साहब है। अरे हाथी मरता है तो भी गधे से ऊंचा रहता है, दहेज में कोई कमी नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन माँ बाबूजी तो वो छोड़ उनकी बात, उनका तो मुँह हमेशा पुरानी घड़ी की तरह लटका रहता है। चल चल बारात आ गई। चौधराइन, अब अगर लाइट भी चली गई ना तो तुहार घर में कभी अंधेरा ना ही होगा। हाँ। फाल्गुनी एकदम ठीक कहती है। बस बस अब कहीं और किसी की नजर ना लग जाए। चलो बहुरानी अंदर चलो। अरे रे रे, ऐसे कैसे जाएगी, पहले द्वार छिकाई देनी पड़ेगी। अरे बहुरानी ये तुम्हारी बड़ी ननद है, दो चार आने दे दो। दो चार आने? मैं क्या भिखारन दिखती हूँ? ओहो बाद में दे देगी, अभी तो जाने दे। अच्छा ठीक है मैं बाद में ले लूँ, लेकिन एक शर्त है, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। अरे तो तुम कौन से आसमान के चांद सितारे मांग लोगी? बहुरानी कह दो दे दूंगी। आ बे चलो चलो। नजरिया लग जाएगी मेरे बनड़े को, कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी हरियाले को, कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को, कोई मत देखो नजरिया। अबे ओ बीच के टिका लगा के रखा है हाँ? अरे बंद करते रहे नाच गाना, फुट यहाँ से चल। छोटे चौधरी तुम क्या कर रहे हो? अरे हीरे को घर में छोड़कर एक कोयले की संगत में तुहार क्या काम है? अरे अभी अभी तुहार शादी हुई है, सुहाग रात भी नहीं हुई है और तुम यहाँ। और ऐसा मत जरा ख्याल रखा करो, नजर लग जाती है बुरी लोगन की। अब चलो घर चलो। अरे बने में तुम भी का गाय को खूंटे से बांध कर खा चरने को निकल पड़े? ऐसी बातें नक्को करो जी, वरना सुहागरात से पहले ही तलाक हो जाएगी। अरे बन्ने मियाँ तुमने शादी कर ली हो, मुझे बताया भी नहीं। वो छोटे मैं... चौधरी तुम अपनी फिकर करो, इनकी फिकर मत करो। चलो दूल्हे भाई आपको आपा जान बुला रही हैं। आओ, किसी को हिंदुस्तान बुलाता है, किसी को पाकिस्तान और किसी को कब्रिस्तान। और मेरे को आपा जान। असल में बचपन से ही ये पोट्टा पोट्टी मेरे साथ सोए, मैं ही इनको पाली इसके वास्ते। हाँ, पाला होगा ये लोगा तुम्हारे साथ सोया होगा।
ये सब क्या है भाई? चुप। देखो बच्चों, तुम लोग आप बड़े हो गए ना, जाकर दूसरे कमरे में सो। अरे रे 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 चुप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यही चीज हो जाना। चबो रानी, ये सब के सब कब तक सो जाएंगे भाई? 2-3 घंटे तो जाएंगे। तब तक मैं इंतजार कर लेता, इंतजार में और भी मजा बढ़ जाता ना, है ना? कौन सी चीज का मजा? चुपचाप सो जाओ। यतीम बच्चे हैं, इन पर रहम कीजिए, रहम करेंगे तो खुदा आपको फल जरूर देगा। कोई बात नहीं शब्बो, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता। सुनो जी, चाय लाई आपके वास्ते। अरे सुबह हो गई। अरे शब्बो, तू रात को जगाई काय को ना आई? बहुत थक गई थी नाजी मैं, इसलिए मैं भी सो गई। मैं सोची कि आप ही जगाएंगे मेरे को। मैं भी तुम्हारा इंतजार करते करते यूं ही सो गया। लेकिन देखो, ये बात किसी को बोलो नक्को कि हमारी सुहागरात यूं ही गुजर गई। दोस्तों में बेइज्जती होगी ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गई। कोई तुमसे सुहागरात के बारे में पूछे ना, तो सिर्फ हाय बोल देना। सिर्फ हाय बोल दूँ? हाँ, हाय बोलने से सब काम हो जाएगा। बन्ने मियाँ। अरे ओ बन्ने मियाँ, ये लो कबाब में हड्डा आ गया, हिलता हुआ मर्द होकर औरतों जैसी हरकत करता। अरे ओ बन्ने मियाँ, चौधरी साहब जल्दी से बुला रहे हैं, कह रहे थे कि जिस हाल में भी हो फौरन चले आओ। अबे ओ बेबुनियाद के हिलते हुए ताजमहल, मौत के फरिश्ते की तरह बातें नक्को करो जी, जिस हाल में हो चले आओ। अरे कल की रात हमारी सुहागरात थी, हम बहुत थक गए हैं, हम जरा नहा धोकर फ्रेश होकर आते हैं। मुखिया जी क्या जमाना आ गया है, चिता की लकड़ियां तक महंगी हो गई। सेठ जी, सेठ जी, राम अवतार मर गया। क्या बेचारा, आजा आजा। ओए देख क्या रहा है, काम बंद कर। जब कोई मर जाता है तो मेरा दिल भर आता है, फिर मुझसे धंधा नहीं होता। चलिए मुखिया जी चलिए, जबकि असली धंधा तो अब शुरू करेगा ये राम अवतार। हाय तू मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार। पूरे गांव में इस जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं था रे, कोई नहीं था। बार बार एक बात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्जा पूरा करके जाऊंगा चौधरी जी, पूरा करके जाऊंगा। इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और ये मर गया। अब उसकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। एक बात बोलूं भाभी, वो क्या है ना कि, अरे नमस्ते पुजारी जी। आयुष्मान भव। अच्छा हुआ कि आप वकील हैं और भैया की शादी आपसे हो गई, वरना वंदना। शाम हो गई, ये कोई नहाने का वक्त है? चांदनी रात हो तो नहाने में और भी मजा आता है। अच्छा वो बात पूरी कर, ये क्यों अच्छा हुआ कि मेरी शादी तेरे भैया से हो गई? बात ये है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। आप दोनों की शादी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, वरना पता नहीं कितनी लड़कियां जान दे देती। Cheers. आपने नहीं लिया? अरे साईं, थोड़ा थोड़ा पीना अच्छा नहीं लगता, आप लोग और लेंगे नहीं तो फिर ठीक है यार। साईं पहले मैं शराब छूता तक नहीं था, मैंने एक फिल्म भी बनाई, फिल्म का नाम शराबी। उसका कहानी भी ये था कि बाबा शराब मत पियो, मगर वो फिल्म इतनी बुरी तरह फिलाप हुआ कि मैं खुद शराब पीने लग गया। देखो ना, फैक्ट्री बेचना पड़ रहा है, आखिरी कीमत 30 लाख रुपया बस। बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है,
अगर कहीं से तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो 1 हफ्ते के अंदर तुम इनकी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम? अरे साईं, तुम तो इंजीनियर भी है, फैक्ट्री तुम्हारे इलाके में है, तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मेरे से ज्यादा पैसा कमाएगा भाई। ये तो है, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए देगा कौन? देख बेटा, तेरे दहेज में 1,30,000 रुपए का कुल सामान आया है, वो भी खींच खाँच कर जोड़ने से इतना बनता है। तू ही सोच बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ? हम तो ये सोच कर खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा कह रहे थे दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। अरे तुम तो खामखा मुझ पर गर्म हो रही हो। मैंने नहीं, निरंजन ने कहा था, उसको बोलो। अरे निरंजन कोई लाट साहब है जो उसे नहीं बोलूंगी? बोल बेटा, पड़ोसी का घर किराए पर ले लूं दहेज रखने के लिए। अरे बेटा, इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मुंह खोल के रोता नहीं, उसकी माँ तब तक उसे दूध नहीं पिलाती। हाँ, एक बात याद रख ले, तू बाप के कहने पर चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? आएगी इसलिए कि हर बात की जड़ तुम हो। अरे क्या हो गया है? देख बेटे, बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, जरा अकल से काम लेना होगा। समझ लो, ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी, बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो खींचते रहो। देखा माँ, पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। ये मेरा नहीं, चरस पीने वाले तुम्हारे पति का आइडिया है, जिसने तुम्हें बाल्टी बनाकर यहाँ कुएं में लटका दिया और पानी को खींचता रहता है खींचता रहता है। का बहू, मैं के जात हो? बहुत सुंदर लग रही, चलो जल्दी चलो। पल्लू ठीक करो, आराम से चलो बहू रानी। हाँ संभल के जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी, याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, मगर आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लो भाभी, अपना ये मांग टीका मुझे दे दो ना। इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे क्या कहती हो कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का, ये उसे वापस दे देगी। अब ले दे के एक ही तो भाभी है बेचारी की, अब तुम ही बताओ ना बहू, तुमसे ना मांगे तो और किससे मांगे भला? ठीक है, वापस आकर दे दूंगी। अरे तुम्हारे यहाँ आने तक कौन सी यहाँ बैठी रहेगी, आखिर ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम है कि भाभी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। ये लीजिए। देखा कितनी खुश हो गई बेचारी। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, क्या जच रहा है इस पर, बुरा मत मानना बहू, चाहे जितना भी रोको सही चीज सही जगह पर पहुँच ही जाती है। चल। आओ बेटी आओ। चलती हूँ। बैठो। दीदी
जीजा जी और पूजा दीदी आ गए। छोड़िए ना, आप जल्दी से जाइए। अरे पर तू कहाँ चली? मैं अभी आई। नमस्ते पिताजी। आओ बेटा आओ। आज सुबह से ही छत पर कवा बोले जा रहा था। ये लीजिए पिताजी। अरे इसे खत्म भी करो, क्या इन्हें दरवाजे पे ही रोके रखोगी? अंदर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब जीजा जी कुछ रिश्वत देंगे, यानी द्वार सिकाई। ये लो। एक सिक्का, वो भी खोटा, कुछ नहीं चलेगा। अरे ओ जीजा जी, उधर नहीं इधर, यहाँ बैठिए। जीजा जी गिर गए, जीजा जी गिर गए। जीजा जी गिर गए, जीजा जी गिर गए। जीजा जी, पीठ की तरफ साबुन हम लगा देते हैं। हाँ, इसमें कोई शरारत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब आप खुद ही लगा लीजिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बेटे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद कहीं नौकरी करना नहीं चाहा। मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन भी पास करा लिया है। वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। अगर ये काम हो गया तो फैक्ट्री 3-4 महीने में ही शुरू हो जाएगी। फिर तो सारे रुपए 1 साल में ही वापस आ जाएगा। अब कहीं हाथ फैलाने से बेहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे ही बात की जाए। बेटे, आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन जहां तक रुपयों का सवाल है बेटे, इतने रुपए हमारे पास नहीं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से ले लेंगे तो? अब तक सिर्फ इतनी इज्जत बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। बेटे, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो उसे सहारा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता। सारे लोग उसकी लकड़ियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं। फिर आजकल के रिश्तेदार भी तो ऐसे ही है बेटे। निरंजन बाबू, अगर आपको रुपए के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते, मैं 10 लाख दे देती। तो आप शादी कर लेते हैं? लाओ 10 लाख। ना बाबा ना, कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी। दूसरी बीवी तो मैं सबकी हूँ ही। क्यों? अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 लाख रुपए हैं तो दो ना। तौबा कीजिए, अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अभी कोठे पर नहीं कोठी में नजर आती। चलो इतने रुपए ना सही, कुछ तो बचा कर रखा ही होगा। कुछ तो बचा कर रखना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में सितारा बाई की तरह पानी लगाते रहना पड़ेगा। निरंजन बाबू का पैगाम है कि वो वापस अपने गांव चले गए। उन्होंने और कुछ कहा? जी और कुछ नहीं कहा। आप कौन है? आप मेरे बारे में ना ही जाने तो बेहतर है। आदाब।
अगर 10 लाख रुपए देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू आज हमें इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते। पिताजी, कल मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस तरह नहीं जाते बेटी, वरना लोग ये भी कहेंगे कि बेटी हमें बोझ लगने लगी, इसलिए हमने उसे फौरन पीछे पीछे भेज दिया। लोगों का काम है शादी में शामिल होना, लेकिन रिश्तों को निभाने का काम हमारा होता है। तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे अच्छी तुम बहू हो। तुम बार बार यह एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी औलाद को पाकर ये दीवान कंगाल नहीं रहा, धनवान बन गया है। नेहा, पिताजी का ख्याल रखना। दीदी, आप ससुराल नहीं गई? कोई आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठा के उठल्लू की तरह ससुराल चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। पर हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें ये बोझ लगेगी? क्यों भाभी, आपको कोई पहचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई, खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। अरे ये क्या बहुरानी, अरे इस घर में खुद का बोझ उठाना मुश्किल है, ऊपर से तुम ये बोझ उठा रही हो। नहीं नहीं बने मियाँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ क्या इस बोझ को उठाने को? आओ। छोटे चौधरी, बहुरानी आई है। आप इस तरह अचानक हमें छोड़ के चले आए, मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी। पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? डैडी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बता ही दी थी, वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूँगा। तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? नहीं, हम कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पर हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। बहू जी, कल्पिता के सर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी हाँ। सुना तुमने, तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया,
चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवान साहब का समधी बनने का है। अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? अरे हो सकता है बहू कुछ शुभ समाचार लाई हो। शुभ समाचार लाती ना तो निरंजन उसके कमरे से गुस्से से बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया है। बाहू भी सूट नहीं कर रही है उसका क्या करें? बाहू और पत्थर में बहुत फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है लेकिन बाहू वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे? अरे पानी भी बूंद बूंद गिरे ना तो पत्थर कट जाता है और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी। बिल्लू भैया आया बहुरानी। बड़ा दुख देना नथनिया ने। बोलिए। आप टेबल पर खाना लगा दीजिए मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अच्छा खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो बेटा ये लीजिए। अरे भैया को भी दो ना सब्जी। ये ले बेटा। ये लो बेटा। अरे रे रे इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया। अरे बहू तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं बहुत ज्यादा हो गया। पानी दे छोटी पानी दे जल्दी। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। सब तुम्हारा ही किया धरा है भोगो आप। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती हैं। माँ जी मैं फिर से खाना बना दूँ? बस बस रहने दे बहू खाना हम बना देंगे। तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी याद रहे मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। पर आई झर झर बहती है सुवन काहे को रोए बाबू मोरे छोड़ चली मैं अपना दैया। बेचारे के हाथन की मेहंदी तक नहीं छूटी है और इतना ढेर सारा काम। बाप रे बाप इतने बर्तन। आओ लगता है चौधरायन ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर ही मंगा लिए। क्यों हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या? वैसे भी अपना काम खुद ही करना चाहिए। काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो खबरदार जो मेरे घर के मामले में टांग अड़ाई तो समझे। अरे इतने बर्तन जाओ चलो यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। बड़े आए थे उसके हम दर्द बन के। लेकिन एक बात तो है मम्मी। क्या? तुमने बेचारे को कुछ ज्यादा ही बर्तन दे दिए हैं। अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर घिसती रहे। वैसे भी निरंजन रात भर आने वाला नहीं है। वो कहाँ गए हैं? बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा। इसी महारानी की वजह से तो सारा मामला खराब हुआ है। मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लौटेगा। माँ खाना तैयार है। अच्छा चल।
माँ उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। हाँ? अरे तो क्या इसे फेंकेगी? इन्हें बुरा लग रहा है ना, तो डाल दे इनकी थाली में। घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर क्यों आ जाती है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था, इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं खा सकती, वो तो है ही जूठन खाने लायक। हाँ उसके लिए रख दे, बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी, तब ये घर भी जल्दी से छोड़ देगी। माँ जी, मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। कहो। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी, तो आप ये गलत सोच रही हैं। एक बात याद रखिए, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फेंक दी जाए। मैं इस घर की दीवार या छत भी नहीं जो तोड़कर नई बना ली जाए। माँ जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ जो इस घर से कभी अलग नहीं की जा सकती। देखा देखा कैसे मुंह पर चोट करके चली गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे ना उसे देखने, और आकर बोले साक्षात सरस्वती है। अभी का रूप देखा, दुर्गा लग रही थी। अब तो इसे निरंजन से ही ठीक कराना होगा। नहीं, मैंने खून नहीं किया। जब मैं अंदर गया तो उसका खून हो चुका था। ये सच है कि मैं मीना भाई के कोठे पे गया था। ये गलती मैंने जरूर की, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने उसका खून नहीं किया। नहीं किया मैंने उसका खून, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मैं मर नहीं चाहता। चलिए मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। पूजा, मैं मर नहीं चाहता, मैं मर नहीं चाहता पूजा, मैं मरना नहीं चाहता पूजा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहूं तो आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता। आइए 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 आइए, आप वकील हैं? जी नहीं। जज हैं? नहीं। फिर कौन है आप? अजी, तुम्हें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से? आप कोई भी हो, अगर आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं तो बचा ले, उसके लिए आप जो मांगेंगे हम देंगे। सोच लीजिए, हम कीमत कुछ ज्यादा ही मांगने वाले हैं। जरूर देंगे, बोलिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, बोलिए बोलिए। मुझे एक रात के लिए आपकी बहू चाहिए। क्या? एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश से भारी और कोई चीज नहीं होती। अपने इन हाथों की ताकत को संभाल कर रखिए, वरना अपने बेटे की लाश कैसे उठा पाएंगे? अब तो इन कांधों पर शॉल भी नहीं रख पाते, फिर बेटे की अर्थी कैसे रख पाएंगे? वैसे फांसी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती,
सिर्फ गर्दन जरा सी लंबी हो जाती है और जबान जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है चौधरी साहब, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि कफन और लकड़ियां तो आप खुद बेचते हैं। अगर आप अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। और याद रखिएगा, परसों अदालत का फैसला है और कल की रात हमारे और आपके फैसले की रात होगी। हे माँ, मेरे बेटे को बचा ले, वही तो मेरे कुल का दीपक है, हमारी बुढ़ापे का सहारा। वो नहीं रहा तो क्या रह जाएगा हमारे पास? हमें इतनी बड़ी सजा मत दे। चौधरी जी, आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप जरा ख्याल कीजिए वरना मर जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। मुझसे भी निरंजन की लाश देखी नहीं जाएगी, उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। हे माँ, अब तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है, तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है माँ। पूजा, अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम अपनी इज्जत की बलि चढ़ा दो। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाला, सोच लो तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपने पति की जान। इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती, तो फिर अपनी इज्जत संभाल के रख, मर जाने दे अपने पति को। लेकिन याद रखना, जान भी एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। ये भी याद रख, निरंजन की मौत के बाद इस खानदान से जितनी भी लाशें उठेंगी उसकी जिम्मेदार भी तू होगी। मेहंदी टूटी पिसी छनी घुली रची तब रंग लाल हुआ, औरत का भी इस दुनिया में मेहंदी जैसा हाल हुआ, मेहंदी जैसा हाल हुआ। शदीद गवाह और पाए गए सबूतों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि निरंजन चौधरी बेगुनाह है, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और सितारा पर जोहरा बाई के खून का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। कौन था वो आदमी? कौन? वही
जिसके पास तो एक रात के लिए गई थी। टुकुर टुकुर अब देख क्या रही, गई थी या नहीं बोल। हाँ गई थी। ये बोलते वक्त तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इसे शर्म क्या आएगी? अरे वैश्या भी बाजार में निकलती है ना तो चेहरे को आंचल से ढक लेती है, पर ये तो ऐसे गर्दन उठाकर चल रही थी जैसे कोई किला फतह करने जा रही हो। मैंने जो कुछ किया इस घर को और आपको बचाने के लिए किया, इसलिए भगवान को तरस आ गया और मेरी इज्जत लुटने से बच गई। ये उसके घर रात भर रही और उसने इसे छुआ तक नहीं। अरे अगर वो इतना ही दूध का धुला था तो रात को ही तुझे अपने घर क्यों बुलाया? ये मुझे मालूम नहीं। और तू उसे कब से जानती है? मैंने उसे पहले देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? कोई आदमी रात के अंधेरे में घर आकर ऐसे ही कह देगा कि मुझे आपकी बहू चाहिए, जब तक कोई पुरानी जान पहचान ना हो? और हमसे बिना पूछे ऐसे ही चली गई उसके पास गुलछर्रे उड़ाने के लिए? यकीन मानिए मैं पवित्र हूँ। झूठ बोलती है तू। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी नाजायज है? खबरदार जो मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो। आप जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो नाजायज है। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरंजन का है? हाँ हाँ दे सबूत। अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है तो क्या आप सबूत दे सकेंगी? आप दे सकेंगी? दुनिया की कोई भी माँ इसका सबूत नहीं दे सकती, तो फिर मुझसे क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है? इसलिए कि तू यहाँ से रात भर गायब थी। हमने तो कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया। आप ही कहिए कौन विश्वास करेगा कि कोई रात भर काजल की कोठरी में रहे और उसे जरा भी कालिक ना लगे? मान लीजिए कि मैंने पाप किया है, लेकिन क्या ये पाप पुण्य से अच्छा नहीं जिससे मेरे पति की जान बच गई? हरामजादी आवारा बच्चलन, तुझे यहाँ रखकर मुझे अपने कुल और खानदान पर दाग नहीं लगाना। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे तुम घड़ी क्या देख रही हो? निकालो इस चुड़ैल का बाहर। चल निकल इस घर से। मुझे आप अपने से दूर मत कीजिए। छोटे चौधरी कम से कम ये तो सोचो कि वो माँ बनने वाली है। तो क्या करूं? किसी और के कलंक को अपने माथे का टीका बना लो। ठीक हुआ तेरे साथ कुल्टा हरामजादी। चल निकल बाहर। उठ कुलच्छनी कलमुही, धक्के देकर बाहर करो इसे। चलो चल। क्या कहा था तुम्हें? इस घर से नहीं निकलेगी। निकाल दिया ना। याद रख चौधराइन वो नागिन है जो एक बार टस लेना उसके जहर का कोई इलाज नहीं। अरे सारे दिए जला दे, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो। बनाती है मेहंदी। आपने कहा था ना पिताजी कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। अच्छी बहू तो वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस लौटती है। मेरी तरफ देखिए, ये लाश बिना अर्थी के ही वापस चली आई। पूजा, पूजा बेटी। सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन पूजा खतरे से बाहर है। वो अभी बेहोश है, घबराने की कोई बात नहीं। अजी कहना क्या है, सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि बात पक्की हो गई है। आ,
ये किसका चुकन जा रहा है? मालूम नहीं, निरंजन बाबू की शादी तय हो चुकी है। मैं इन्हें 5 लाख कैश दिला रहा हूँ, जेवर और सामान 2 लाख का, ऊपर से हाँ। अरे आपका समझे कौन है, जरा ये भी तो बता दीजिए सासु जी। शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ सूरजमल 10 जुलाई को बारात यहाँ से जाएगी। चलो उठो जी, आजा बेटे निरंजन, आओ पंडित जी। अरे चलो लड़कियों। लगता है मैं किसी शुभ घड़ी में आया हूँ। शायद वंदना बेटी का शगुन जा रहा है? जी नहीं, ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है। रास्ते से हट जाएं, शगुन को जाने दें। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज आपके सामने सर झुका रहा हूं और अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं। कंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं होती। जैसे अत्तर को रुई में भिगोकर कान में खोस लिया जाता है ना, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस ले। आपकी पूजा मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर कफन छोटा पड़ जाए और लकड़ियाँ कम हो जाए तो किसी को भी भिजवा दीजिएगा, दान में दे दूंगा। चलो जी, आओ बेटे आओ। जाओ बेटे, जाओ। बन्ने चलो। मैं पूजा को इस घर में रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, नेहा भी मेरे साथ रहेगी और मेरी सेवा करेगी। इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी, मेरी बीवी और रखेल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता कहूं या सुअर। तुम तवायफ के कोठे पे जाते तो हो ना, वहां एक कोना है जहां लोग बरसों से पान खाकर थूकते हैं। तुम उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो, थूकने के लायक भी नहीं। आज हमें पहली बार बेटी का बाप होने की सजा मिली है। जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं ना, तो आसमान भी इंतकाम लेने की कसम खा लेता है। चलो बेटी। पुजारी जी, आज अदालत में तलाक का केस है, वहां बहू रानी पर जी भरकर कीचड़ उछाला जाएगा। बेचारे शरीफ लोग हैं, उनकी इज्जत की तो। मुसीबत में शरीफों की कभी इज्जत नहीं घटती, जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती। मिलॉर्ड, एक औरत जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वो अर्धांगनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग। और जब किसी इंसान के आधे अंग पर कोल हो जाए या सड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन आपका कानून उसे बचा सकता है, उसे उसकी धर्मपत्नी से तलाक दिलाकर। मिलॉर्ड, निरंजन चौधरी की धर्मपत्नी पूजा धर्म और पत्नी दोनों के ही नाम पर कलंक है। ऐसी औरत छूत की बीमारी की तरह होती है, जैसे सांप। जीती जागती मौत है वो, और यही वजह है कि मैं अदालत से निरंजन चौधरी के लिए जीवन दान चाहता हूं। और यह तभी मुमकिन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए। मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस केस की कार्रवाई शुरू हो, मुझे इस अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। निरंजन चौधरी को पूजा से तलाक चाहिए। हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने मेहंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी, लेकिन हमारी शर्त है
कि ये केस यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुलसी का पौधा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो, लेकिन उसे इस हालत पर न पहुंचा दो कि वो न पूछने के लायक रहे और न जीने के। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। रही तलाक की बात, तो वो हम कोर्ट से ले लेंगे। मिलॉर्ड, ये पूजा से सिर्फ तलाक ही नहीं, भरी अदालत में उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालकर उससे जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं, और ये इजाजत मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा। आप कानून के साथ खेल रहे हैं, आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे कानून की नहीं, अपनी औलाद की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? वकील साहब, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। खुद जज साहब इस बात की गवाही देने वाले हैं कि दीवान साहब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुश चौधरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, अंकुश साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। अरे साहब भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये तो सब प्रभु की लीला है। लोग कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अब बेचारी पूजा को ही ले लो ना, पहले उसके पेट का बच्चा मरा, फिर उसका तलाक हुआ और अब बेचारी के पिताजी गुजर गए। ये देखो, ये दुल्हन की साड़ी है। ये रहे दुल्हन के गहने। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। नहीं, मेरा पति पापी है, राक्षस है। तुझे मेरे का दूजा वचन है, सबसे ससुर जैसे। मेरे सास ससुर श्राप है, अभिशाप है। घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। मैं उस घर को बांझ बना दूंगी जहां अब कोई खुशी जन्म नहीं लेगी। माँ दुर्गे का रूप धरूंगी। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं तो मर चुकी हूँ, मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगी। मुझे 40 किलो लकड़ी चाहिए। अपने लिए? हाँ। छत बनाने के लिए कि जलाने के लिए? जलाने के लिए। हाउ, अपनी चिता जलाने के लिए पहले से ही लकड़ी इकट्ठी कर? अबे ओ, मुंह संभाल के बात कर, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। अभी 2 साल पहले मेरे बाप ने दूसरी शादी की है। हाउ, फिर तो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। कहाँ मिलेंगे वो? वो अपने बाप से मिलने गए हैं। हाँ, यानी कि उनके बाप भी जिंदा है। लगता है कि पूरे खानदान ने आबे हयात पी रखी है। ये पंडित जी आजकल शादी कराने का धंधा बंद कर दिया क्या? अरे उन कमीनों के चक्कर में तो मैं पिटते पिटते बचा हूँ। क्या? चलो चलो लकड़ी वजन करो। अरे ये तोलोगे कैसे, वजन कहाँ है? तुम्हारे बाप दादा की तरह चलता फिरता वजन है मेरे पास, दिखाऊं तेरे को?
ये बताओ तुम इन्हें वजन की जगह क्यों इस्तेमाल करते हो? ये लोगा रात भर जागते रहते हैं, दिन भर काम करेंगे ना तो थककर जल्दी सो जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कहाँ वो पोटे? उनसे बहुत वजन उठाने को लगा है क्या? वो छोटे बच्चे हैं, उनसे इतना काम न को ले कि उनका कचूमर निकल जाए। पोटे सचमुच सो गए? जाके खुद ही देख लो। एक मिनट देख कर आता हूँ। सोनो नहीं, मेरी शब्बो, मेरी भागमती, मेरी लाड बाजार, मेरी चूड़ियों की दुकान। सच्ची? तो ऐसा पहले काय को नहीं बोले? इससे पहले ये घर हैदराबाद का चिड़िया घर दिखता था, लेकिन आज आगरे का ताजमहल लग रहा है। शब्बो बन्ने, मेरा दिल कर रहा है कि तुमको। नहीं, हाथ नको लगाओ मुझको। काय को? आज मैं मजबूर हूँ, आज नको। नको 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 करो जी, हाउ 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 करो जी, मुझे यतीम पर रहम खाओ, खुदा तुमको फल देगा। आओ आओ। समझ गए ना? और अभी भी नहीं समझे तो कहो, कान में बोलूं? नको नको, कान में नको नको, समझ गया। इसका मतलब आज भी हाउ हाउ? मेरा क्या नसीब रे, मैंने अभी तक सुहाग रात नहीं मनाई, और उधर छोटे चौधरी को देखो, एक शादी के बाद दूसरी शादी का शगुन लेकर जाने वाला है। अभी वो हल्दी भी मजे से लगा रहा होगा साला। ये रही वो जेवरों की लिस्ट जो दीवान साहब ने दिए थे, और साथ में मांग टीका भी है जो इनकी बहन से जबरदस्ती छीन लिया गया था। अगर आप लोगों की बेईमानी की नियत नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द लौटा दें, वरना हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने दिया ही क्या है, जो भी दिया है हम सब लौटा देंगे। वैसे भी भिखारियों की हम कोई चीज नहीं रखते, भिखारी तो खाली हाथ भीख मांगते हैं, मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरी की तरह आगे बढ़ाते हो और भीख मंगवाते हो। दे दे बाबा, बेटे के नाम पे आप लोग तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। लानत है आप सब पर। चलिए वकील साहब। जाते जाते एक बात सुन लो, आज तुम्हारे बाप के मर्डर केस की तारीख है, मैं कोर्ट भी जाऊंगा और वहां से बाइज्जत रिहा भी हो जाऊंगा। आगे के लिए इतना याद रखना, अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले तो दीवान साहब की तरह तुम दोनों को भी खून से नहलाकर दुल्हन बना दूंगा। ये द्वार पे खड़े हैं और इन्हें हमने द्वार छिकाई नहीं दी,
इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं। लीजिए द्वार शिकार। पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ वो सब यही हुआ। जज साहब, आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है? जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल ना सके वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं है? You shut up. आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात पिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। ए, ए, बहुत बोली। अब आगे बोली रख तो। बस बस रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। हरामजादी, मैं तुझे। ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। आइए आइए। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। Oh, my God.
मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। बहन और भाई लगते हैं मुझे कसाई हो, क्या ये प्रेम की बत्ती जलने देंगे के नहीं, हरि बोल शब्बो बोल संगम होगा के नहीं। बच्चा जहर लगे, बच्चा बच्चा जहर लगे, लाई है दहेज में इन्हें, कहे तू बापू के घर से। सूप जैसे दुश्मन ने दी हो कोई बदुआ हो। तुझे पीटने को दिल करता है ओ भोचू, तुझे पीटने को दिल करता है, जो भी मुंह में आए बकता है, तुझे पीटने को दिल करता है। सात उल्लू पड़े पड़े हमको खड़े खड़े, सात उल्लू पड़े पड़े घूरे हमको खड़े खड़े। सच सच मैं कहती हूँ सुन लो अजी, सुन लो अजी, काटेंगे तंबू यहीं पे सभी, यहीं पे सभी। रात भर मुए, रात भर मुए मिलने न दे, दीदे दिखाए को जरा छोड़ के, खेले कबड्डी अरमान दिल में, आओ घुसेड़ू तुम्हें सांपों के बिल में। खटिया के नीचे क्या है, खटिया के नीचे पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे खटिया के नीचे भाई, पर्दे के पीछे बहना, ये मेरी आंख के तारे, ये मेरे घर का गहना।
नमस्ते सेठ जी, आप अंकुश चौधरी के श्राद्ध में नहीं आए? मैं खूनियों और बदमाशों के श्राद्ध में नहीं जाता। तब तो बहुत अच्छा किया आपने, अब जो होना था वो हो चुका, अब जो होना है वो हो जाना चाहिए। शादी की नई तारीख निकलवा लें? ये शादी अब नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सेठ जी, शादी की तैयारी में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ऊपर से जात बिरादरी में नाक कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे पंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल समझा था, लेकिन अब पता चला कि तुम गटर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से भी साफ नहीं होता। चले जाओ यहां से। आ जाओ मेरे प्याले प्याले बच्चों। अच्छा अच्छा, पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रहीम चाचा, रहीम चाचा जी, ये बच्चों को सर आइसक्रीम खिला देनी चाहिए, ये बहुत जिद कर रहे हैं। जाओ बेटे जाओ। चलो सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं। हम कहीं और मिलेंगे। देखो, पूरे एक महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं, आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है। जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ, वही शक आपकी पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाई थी और ना आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई, उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। बात याद रखना, अगर तुमने मेरे परिवार में जरा भी जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। खुद तो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया, और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह कांप गए और रिवॉल्वर निकाल लिया। चलाइए गोली, चलाइए। गोलियों से ना तो कहानी खत्म होती है और ना ही पाप मिटता है। बहादुर हो, तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? जिस औरत का न भाई हो, न बाप, न शौहर, न समाज, वो औरत औरत नहीं रहती, लाश बन जाती है, और लाश गोलियों से नहीं डरती। और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था। फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? मेरी एक बहन थी राधिका, वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन निरंजन ने उसे ठुकरा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। बात यह है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। मैंने अपनी बहन की चिता पर कसम खाई थी कि मैं निरंजन को कभी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बदचलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया। मैं एक बहू नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। मिस्टर राजेश्वर, तुम एक बेटी, एक बहू और एक माँ तीनों के मुजरिम हो। सचमुच
बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूं वो और किस किस को जलाएगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पूजा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूँ, और इस बार अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा। रामोतार की बीवी खेतों पर काम कर रही है। क्या? चल मैं मिलो। तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे खेत से। ये तो हमारा खेत है चौधरी जी। अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है। राम अवतार ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो सूद समेत 50,000 रुपए हो गए थे। ये कर्ज चुकाने के लिए राम अवतार ने मरने से पहले सारा खेत मेरे नाम कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए मुखिया जी, ये देखिए राम अवतार के अंगूठे का निशान देखिए। हाँ भाई, कागजात तो पक्के। हाँ भिलो निकाल इसे। अरे निकाल। ए चलो निकलो, भागो। निकाल दिया। चौधरी तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि राम अवतार जी की तो तुमसे पढ़ती भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आता था, मतलब आता नहीं था। फिर उसने कर्जा कभी लिया तुमसे, और वो कागजात पर निशान कब लगाया? बीच में मत बोल। कमाल है, और बनने में अभी बीच में बोलते हैं, मगर आप उन्हें कुछ नहीं डांटते। हाँ हाँ, नहीं डांटता, इसलिए कि वो मर्द है। तो मर्द है क्या मुखिया जी? साले को क्या मालूम कि राम अवतार एक इज्जतदार आदमी था, और हर इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने नहीं, हमेशा छुपकर कर्जा लिया करते हैं। क्यों मुखिया जी, जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो। हाँ चौधरी साहब सच कह रहे हैं, पंचायती करने आया था साला। इतने भी हमारी बेइज्जती मत कीजिए चौधरी साहब। क्या करेगा, क्या करेगा तू? दिखाएगा, दिखाएगा आंख, रीति मत, आंख निकालूंगा साले, कहाँ जाए यहाँ से, कहाँ ना कभी मेरी दुकान पर आया तो। देखो साईं, अगर 2 दिन के अंदर तुमने फैक्ट्री नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे तुम भी खामखा की धमकी देते रहते हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्ट्री खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे आपका ख्याल गलत है साईं, दूसरा ग्राहक माल के साथ तैयार खड़ा है। वो तो आपसे पहले बात हो गई थी, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, दूसरे ग्राहक से मिलवाऊं, खातरी कर लो। अरे साईं जरा बाहर आना। ये तो अभी पूरा पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए 2 दिन दे रहा हूँ, और बिजनेस में जबान की बड़ी कीमत होती है। अरे आप दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला। आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साईं, आपको देखते ही निरंजन की आंखों में खून उतर आया था, और उसे देखते ही मुझे अपना खून याद आ गया था। उसका मूड देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वो आपको मार ही डालेगा। ये काम तो वो पहले ही कर चुका है दुदानी, अब तो उसके मरने के दिन है। अब तो उस फैक्ट्री को खरीदना जरूरी हो गया है, वो भी उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है। कौन? वही जिसके पास पूजा गई थी। मैं उसके पास वो फैक्ट्री नहीं जाने दूंगा, ये मेरी मान का सवाल है। तू चिंता क्यों करता है बेटा, अपने बेटे का मान रखने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। ये रहे 10 लाख रुपए, तेरे पिताजी को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैसे निकाले, वरना वो जिंदा ही चिता पर लेट जाएंगे। ये रहे 10 लाख रुपए कैश, और ये रहा बैंक का 20 लाख रुपए का चेक। अच्छा। पेमेंट पूरा हो गया? हो गया साईं, बिल्कुल हो गया, और ये मेरी तरफ से फैक्ट्री के कागज। मिस्टर निरंजन, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई कांग्रेचुलेशन। शट अप। आप ये बताइए कि आप यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं या आंसू पुछवाने? अगर तो आंसू पुछवाने आए हैं
तो ये लीजिए रुमाल, पूछिए आंसू और दफा हो जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जी। मेरी तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, मैं कंगाल हो गया हूँ जी, कंगाल। बस बस, चिंता मत करो। इतना याद रखो मियाँ, चिंता और चिता में एक चिविंदी का फर्क है। अगर आपने इनको 10 लाख रुपया दिलवा कर चिंता से छुटकारा नहीं दिलवाया तो ये चिता पर लेट कर अपनी जान दे रहे। मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हो, वरना श्राद्ध भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। जी आप ठीक कह रहे हैं। किसी पे शक? कौन सी मारू? ए बीच की मारना। ओ अरे दो गोलियां तो कम है। जरूर इसने ही चुराई होंगी। ए चल फूट, चल निकाल मेरी गोलियां। नहीं है ना? बिल्लू तेरा नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। तो चल। ओ, मैंने कुछ नहीं किया। चल जोर दीजिए। मैं श्री बाप हूँ, हरामी लगता हूँ ना? हरामी लगता नहीं, हरामी हूँ, बहुत बड़ा हरामी। इसने तो मेरी मार खाता ही, गूंगे भी ठुमरी गाने लगते हैं। चल चल जल्दी से उगल दे, चल चल। मुझ पे दया कीजिए। दया? कितनी किलो दया चाहिए? बोल बे छक्के, रुपया कहाँ है? बोल बे दया कीजिए। सर इसे मत मारिए सर। तो क्या इसका चुम्मा लूं? मेरी एक बात सुन लीजिए सर, टीवी सीरियल महाभारत तो आपने देखा होगा, भीष्म पितामह की मौत की वजह एक छक्का था। आपका नाम भी भीष्म है और ये एक छक्का, इसीलिए कहता हूँ कि प्यार से काम लीजिए। मेरे लाल, ये प्यार करने की कोई रोमांटिक जगह नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझे? आजकल बहुत टीवी देखता है, जा। और चौधरी साहब थाने में सर ले आना जरूरी था क्या? तो अपने सर को कहाँ रखूं? लेकिन सर आप टकले कब से हुए? और चौधरी साहब ये टकले का सर है ना, गुस्से का स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जिसके 24 बटन आपने दबा दिए हैं। शुक्र करो आप बच गए, क्योंकि आप भी तो टकले है ना। लेकिन मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। अब बता तूने रुपया लिए या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया भगवान की शक्ल, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। निरंजन बाबू आप यहाँ? जी आज मेरी फैक्ट्री का मुहूर्त है। तुम यहाँ? मंदिर का द्वार पूजा के लिए खुला रहता है, लेकिन मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। वो घर नहीं, किराए का मकान था मेरे लिए, जब रहने की कीमत नहीं चुका सकी तो निकाल दी गई। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सालों के लिए बनवास का समय आता है और इसे तो काटना ही पड़ता है। ओ, तो तुम यहाँ बनवास काटने आई हो? हाँ। तो काटती रहो, इसलिए कि तुम्हारे बनवास का कोई अंत नहीं होगा। क्या इसलिए कि मेरा राम ही रावण है? मैं किसी का राम नहीं और ना ही राम बनना चाहता हूँ। ये दुनिया रामलीला नहीं महाभारत है, यहाँ जीतना ही धर्म है और किसी भी कीमत पर जीतो। छोटे चौधरी, किसी भी कीमत पर जीतने वाले अक्सर जीतकर हार जाते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा। आपकी बारात मंडप से वापस आ गई, कल्पिता की साड़ी सफेद हो गई, आपके बाप की पगड़ी उछाली गई,
क्या कर लिया आपने? तो तुम यहाँ बनवास काटने नहीं, बदला लेने आई हो। देखता हूँ तुम बदला कैसे लेती हो। पाप का घड़ा अगर भर गया हो तो उसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घड़ा खुद ही फूट जाता है। छोटे चौधरी, औरत जब तक रोती है तभी तक कमजोर होती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। ये सपना कभी पूरा नहीं होता अगर मेरी माँ ने मेरा साथ ना दिया होता। बेकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मैंने किया ही क्या, बस चौधरी जी की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकाल कर इसको दे दिए, और क्या किया। आप लोग भी कमाल करते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे की चोरी करते हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवा कर बेचारे बिल्लू को पिटवा दिया। जानते हैं आप लोगों पर उल्टा केस चलेगा, और तो और पुलिस भी आप पर चार्ज लगाएगी। अब तो सिर्फ आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है। ये क्या है? आप ही ने कहा था ना कि अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। हाँ, मैंने कहा था। असली है, आपको भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। आपको भी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। वो तो है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जैन, जैन, जैन। मुखिया जी, मेरे बेटे बिल्लू को बचा लीजिए। अब तो आपको भी मालूम हो चुका है कि वो चोर नहीं। जब क्या है, पुलिस से किसी को बेइज्जत करवा के पिटवा दे, ये तो सरासर जुल्म है। मुखिया जी, आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा। यहाँ की पंचायत जब यहाँ की माओ को, यहाँ के बेटों को, यहाँ की बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकी तो आपको क्या इंसाफ दे पाएगी? बताइए मुखिया जी, चौधरी परिवार के ताल पर यहाँ का समाज कब तक ठुमके लगाता रहेगा? कब तक? क्या पूरा समाज छक्का हो गया है? ए मुखिया, तुम लोगों ने गांव में ये पंचायती विचायती क्या लगा रखी है? चलो फूटो यहाँ से। अदब से बात कीजिए, ये कोई बाई का कोठा नहीं, गांव की पंचायत है। कौन हो तुम? फिलहाल सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। ये जानते हुए भी कि निरंजन चौधरी ने अपनी माँ के साथ मिलके चौधरी जी के 10 लाख रुपए निकाले थे और उन्हीं रुपयों से फैक्ट्री खरीदी थी, ये जानने के बाद भी आपने उन्हें दोषी नहीं माना, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और निर्दोष बिल्लू को मार पीट कर हवालात में बंद कर दिया? इसलिए कि उनके खिलाफ किसी ने कम्प्लेन नहीं लिखवाई, तो मैं एक्शन कैसे लेता? मैं लिखाती हूँ कम्प्लेन, लिखिए। ऐसी कम्प्लेन मैं नहीं लिखता, थाने में जाकर हवलदार को लिखवा दो। ये कम्प्लेन तो आप ही को लिखनी पड़ेगी, और अभी। तुम कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। अब तो हवलदार हमारी कम्प्लेन नहीं लिखेगा। तब तो मुझे ही मजबूर होकर लिखना पड़ेगा। अंडर अरेस्ट, गांव वालों का प्रेशर है, एक दिन के लिए आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कैसी लगी नई ससुराल? सिगरेट जला लीजिए, थोड़ी शांति मिल जाएगी। निरंजन बाबू, आपने जो आग लगाई है वो फूंक मारने से नहीं बुझने वाली। बोल ले जो बोलना है, आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। वक्त आएगा? आप तो कहते थे कि वक्त आता नहीं, लाया जाता है। लगता है अंदर से बहुत टूट गए हैं छोटे चौधरी। चाहे जितना भी टूट जाऊं, जमानत पर तो छूट ही जाऊंगा, फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझाकर मुझे जरूर शांति मिलेगी। एक बात याद रखिए छोटे चौधरी, जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता, जो खेलते हैं वो अनाड़ी होते हैं और जो अनाड़ी होते हैं वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
क्या पानी लाऊं आपके लिए एक ग्लास? शट अप! अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिए और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भगवान करे मरने के बाद उसके मुंह में आग देने वाला कोई ना हो, उसकी लाश को चील कौवे कुत्ते नोच नोच के खा जाए, खच खच कीड़े लगे उसको। अरे घबरा मत भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा खाक, सामने उस मनुष्य का चेहरा जो नजर आ गया। अरे सब इसी का किया कराया है, इंस्पेक्टर के अंदर इसी ने जहर भरा होगा। जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ आंसू हुआ करते हैं। कमीनी! और तो और ये कमीना बनने में कैसा नमक हराम निकला, जाके पूजा से मिल गया। आज कोई काम करने वाली भी नहीं आई मरने के लिए। अरे नहीं आई तो क्या हुआ, हम कोई लंगड़े लूले थोड़ी है। कल्पिता क्या तू ही वो बर्तन धो डाल। चुप हो जा। देखो रमा सुबह से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा चुप हो जा। कल्पिता, अरे कल्पिता, बाल्टी भी खा। चौधराइन, ये उम्र में अकेले ही बर्तन धोने बैठ गए, अफसोस। पर तुम कर भी का सकती हो, तुम्हारे घर में गंदा बर्तन भी तो बहुत हैं। एक बात कहते हैं चौधराइन, वैसे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से का होवत है, सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी बड़ी बढ़िया आती है, है ना चौधराइन? अच्छा अब चलते हैं। ससुरी फूटने की। पिताजी। बोल। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। अकल देर से आई, जा जल्दी जा। पर खाली हाथ कैसे जाऊँ? अरे भीख मांगती जा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है, अब तुझे कहाँ से दू? सुबह से चौधरी ने कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है। ये लो सेठ जी खीर। खुशबू तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये ले। लो पिताजी। खीर तो बहुत अच्छी है। किसने भेजी इतनी सारी खीर? आपकी बहू ने। तू झूठ बोल रहा है। वो क्या है कि बहू रानी दूध खरीद कर बोली कि बनने में आ इसकी खीर बना दो, लेकिन एक कुत्ता ना जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पेशाब कर दिया। मैंने उससे पूछा कि इस दूध का क्या करूं, बोली दूध को बर्बाद नको करो, इसकी खीर बनवा कर ससुर जी को भिजवा दो। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या इसमें कुत्ते का पेशाब है? हाँ। ये क्या किया आपने? अब क्या हुआ? इस हांडी में मेरी छोटी साली पेशाब करती थी। क्या? निकल जा मेरी दुकान से। हट हट हट। चौधराइन, चौधराइन, चौधराइन। मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा? यहाँ बर्तन कौन धोता? तो माँ बेटे की वजह से तो यह हाल हुआ है कि आज गांव का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तैयार नहीं है। अब भगो। बेटा मेरे लाल। तो यहाँ नहीं था ना, क्या बताऊँ? ये पूजा ने गांव वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया। चुप रहो। नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि कुत्ते के पेशाब वाला खीर मजे से खा गए और चुप रह गए। और ये कौन से तीर्थ यात्रा से आया है, जेल से आ रहा है? अरे तो इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? जो भी हुआ सब इसी के कर्मों का फल है। बाबूजी, दूसरे की बहन पर ना तो जुल्म करता
और ना भगवान तेरी बहन को विधवा बनाता। बाबूजी, तूने एक बाप होकर बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया था। ये उसी पाप का फल है कि तेरे सामने तेरी बहन का बच्चा जिंदगी भर अपने बाप के लिए तड़पेगा। बाबूजी। जवानी में थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो चुप रहो। ये तुमने कब कहा था? ठीक है, नहीं कहा था तो आपको तो चुप रहना चाहिए था। उठो उठो, काम ही ऐसा करते हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। बाबूजी, बाप के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है। दिन में जब खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए मैं तुझे ढूंढ रही थी, उस वक्त कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? माँ, मैं मुन्ने को दूध पिला रही थी। झूठ बोलती है तू। तू तो शुरू से ही कामचोर है। अब तक घर के कामों में तुम्हारा हाथ कौन बटाती रही? तू बटाती रही। चुप हो जा चौधराइन। अरे ये क्या मेरा हाथ बटाएगी? शादी के बाद ये बोझ बनी रही मुझ पर, यहाँ पड़ी पड़ी खटमल की तरह खून चूसती रहती है और क्या करती है? माँ, तुम ये भूल गई कि मेरे पति ने इस घर के लिए अपनी बलि चढ़ा दी है। अरे उस एहसान के बदले तुम लोगों को उनकी तस्वीर पर रोज माला चढ़ानी चाहिए। माला डालनी चाहिए? एक नंबर का चरसी और बदमाश था वो। माँ, मामा क्या कह रही है? सुअर की अगर बलि चढ़ जाए तो क्या उसकी गिनती हिरन में होने लगेगी? सुअर तो सुअर ही कहलाएगा। माँ, मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था, मेरी कौन सुनता है? काम ही ऐसा करती हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। उठो, रो मत चौधराइन। कुत्ते आपस में रोटी के लिए झगड़ा करते हैं। आदमी तब झगड़ा करता है जब वो हार जाता है, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हारी हुई बाजी को जीत कर दिखला दूंगा चौधराइन। हाँ, गलतियां तो इंसान से हो ही जाती हैं। मेरे परिवार वालों से भी गलतियां हुई हैं, सो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से क्या होगा? बिल्लू तो अभी तक जेल में है। वो आज रिहा हो जाएगा, मैंने अपना केस वापस ले लिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया चौधरी साहब। हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं और मेरे परिवार वाले ड्रामे में हिस्सा लेंगे। मैं उसका खून कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात नहीं है, लगता है मेरी बेटी भूत से डर गई है। हाँ। आप चलिए, मैं बाद में मिलने आऊंगा। आइएगा जरूर। जी जी, चलो। भूत भूत का तो एक बहाना है, मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। तू थी वहाँ? तूने कुछ देखा क्या? जब नहीं देखा तो कैसे बोल दिया कि उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया? खबरदार, जो ऐसी बात अपनी जबान से निकाली तो मुखिया की बीवी होगी तो अपने घर में मैं तेरी जबान खींच लूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा चौधराइन तुमने। अरे मौसी, जब तू वहाँ थी ही नहीं तो तुझे कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? हाँ, बहुत गलत बात करते हो तुम लोग। लेकिन चौधराइन, जब तुहार बहू वो आदमी का घर में गई थी तब तुम भी तो वहाँ नहीं थी, फिर तुमको कैसे पता चला कि उसकी इज्जत चली गई? चौधराइन, ये बात ठीक नहीं है। अपनी औलाद के किए पर तो मखमल का पर्दा, और दूसरे की औलाद अगर हीरा भी है तो उसे बेकार कचरा कहकर पूरे गांव में दुनिया में ढंडोरा पीटना। मैं अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करवाता हूँ। मैंने भी कसम खाई है कि बिल्लू की लाश देखने के बाद ही वंदना का चेहरा देखूंगा। सारे फसाद की जड़ तो है ये। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों चली आती है? इसलिए कि तुम्हारा ये फैसला था, नाटक द्रौपदी चीरहरण करेंगे। हो गया ना चीरहरण, और रोल भी करेंगे अंधे धृतराष्ट्र का। मैं पूछती हूँ, कुछ करोगे या अंधे बने रहोगे? अरे कुछ करना है, इसलिए तो उनके पास आया हूँ। अरे ये क्या करेंगे, इनका तो हमसे ज्यादा बुरा हाल है। मेरा बुरा हाल है? वो कैसे? अरे मेरी बेटी का चीरहरण तो एक छक्के ने किया, मगर इनका चीरहरण तो एक दो टके की छोकरी ने किया, वो भी पूरे गाँव वालों के सामने, जबकि पुलिस की वर्दी भी पहने हुए थे। राम राम राम, उसने थप्पड़ भी मारा तो बहुत जोर का। मेरा नाम भी भीष्म है,
उसी दिन मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं भी उससे बहुत ही भयानक बदला लूंगा। थानेदार साहब, बदला तो हमें भी लेना है उससे, और ऐसा बदला जिसमें आग भी होगी और धुआं भी। आप चिंता मत कीजिए। तो फिर आप बिल्लू की चिंता छोड़ दें, मैं उस साले को टपका डालूंगा। जब दुश्मन का बंटवारा हो ही गया तो जल्दी से उनका निपटारा भी कर देना चाहिए। वो साला छक्का है कहाँ? शाम को पूजा की छोटी बहन नेहा की मंगनी है, वो वहीं मटक रहा होगा। आप भूल गए कि आपका नाम भीष्म है, और आप ये भी भूल गए कि महाभारत में भीष्म की मौत की वजह क्या थी। सर भूल जाइए उस छक्के बिल्लू को और चलिए वापस थाने चलते हैं। सर साले, तू बिल्लू के बारे में तो ऐसा बोल रहा है जैसे एक छक्का नहीं कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। चल उतार। नहीं सर। उतार। नहीं सर। उतार। अरे सर, सर रुक जाइए सर, लगता है इनकी मौत का समय आ गया। ये कबाब में हड्डा कहाँ से आ गया? बंद करो ये सब। काहे को बंद करे? अरे शादी ब्याह में आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या मातम करेगा? ए चंपा, चल बजारी बजा। ज्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। अब चल। देखो जी, धक्का मारो या मुक्का, जब तक कि पूजा दीदी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ छोड़ दो। तुम्हें पूजा दीदी पर बहुत घमंड है ना, आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है। शकल गौर से देख, यमराज से मिलती है। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा वरना गोली मार दूंगा। जा! जल्दी इस पर लकड़ियां डालो। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुझे तलाक दिलाने के चक्कर में उलझी रही। घर की लकड़ी, घर का कफन सस्ते में काम हो जाता। तुझे तो बहुत पहले ही जिंदा जला देना चाहिए था। अच्छा करती आप, इस तरह सुहागन तो मरती। हाय हाय, देखो तो मुंह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। अरे इसे मरने का जरा भी डर नहीं? आप लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया था,
आज तो सिर्फ जलाने की रस्म पूरी करेंगे। सुना है तुमने अपने बाप की चिता के उल्टे फेरे लगाए थे और हमें बर्बाद करने की कसम खाई थी। आज हम तेरी चिता के उल्टे फेरे लगाएंगे। जल्दी कर। दीदी के साथ जान दे दूंगी। तू तो जिंदा रहेगी और मेरे पास रहेगी, मेरी रखेल बनकर। अभी तक जिंदा है? कमीने, इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। जाने भी दो छोटी चौधरी, बात आगे मत बढ़ाओ वरना ये गांव वाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लौंडा आपका जीजा जी बन गया। हाँ क्या पूजा दीदी, जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। निरंजन बाबू, किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा, जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दो, निरंजन का दोष सिर्फ इतना ही है कि मेरी हर बात मानता रहा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दो। अब क्यों रो रही है? तू तो नागन है तो फन मार कर खड़ी हो जा और डस ले मुझे, डस। छोड़ दे मेरी माँ को। यही पूजा नहीं, हमें माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे। अब आंसू दिखा रही है? जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था, जब मेरी बहन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त कहाँ गए थे आंसू? कहाँ गई थी तेरी ममता? गिर गिर की तेरा रंग बदलने वाली औरत। खबरदार छोटे चौधरी, आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। तो ये मामला छोड़ दे ऊपर वाले पर, हमने जैसा किया है वही इंसाफ करेगा। ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा। ये ले।
चौधरायन, अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं, कुछ झूठा है। कदम कदम पर इस अबला को हर रिश्ते ने लूटा है। मेहंदी